आज इतनी दो घंटे तक आप यहां रुकने वाले और दो घंटे में आप बहुत कुछ नहीं सीखने वाले एक ही चीज सीखोगे आज एंड वट इज दैट दैट इज द सिंपल थिंग हाउ टू क्रिएट क्लिकेबल डिजिटल बिजनेस कार्ड आपको लगता होगा ये बहुत बड़ी बात है मुझे भी लगता था आई ऑल्सो फेल्ट लाइक दैट ऐसे बनता है बट मैन ई स्टार्टेड डूइंग दिस इट व सिंपल थिंग कुछ भी नहीं था और आज आपके लिए भी देर इज नथिंग यू कैन डू इट ऑन योर टिप्स एंड इवन यू वुड नॉट रिक्वायर एनी थिंग एक्स्ट्रा वॉट एवर यू हैव विद यू आई मीन योर मोबाइल फोन योर लैपटॉप योर डेस्कटॉप यू वुड बी एबल टू डू इट अच्छा ये होगा कैसे कौन करवाएगा सो टू फैसिलिटेट दिस लर्निंग वी टू ट्रेनर्स आर हियर वन my mentor my associate satya satya has a great experience in digital marketing for last 12 years and he has a depth of knowledge and experience and expertise and i also started with him learning something so we both would be together here to just make you learn and this is only one skill very small and simple skill and i can guarantee you whenever you would leave from here You would learn this easily. It is nothing. And please do not worry. You need not to buy anything. कुछ भी नहीं खरीदना आपको जो कुछ आपके पास है उसी में आप अपना डिजिटल क्लिकेबल बिजनेस कार्ड बनाना सीख सकते हैं तो कितने लोग हैं जो डिजिटल बिजनेस कार्ड का बिजनेस पे यूज करने वाले हैं सारे ही हैं कितने क्या everyone, everyone अच्छा तो आप आप तैयार हो आर यू रेडी एक पेन एक पेपर एक वाटर बॉटल प्लीज पोटेट विद यू ये तीन चीजें आप अपने साथ रख लें क्योंकि अगले दो घंटे में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो आप बड़े मजे से सीखें एंड दोज आर कंफर्टेबल विथ वन मोबाइल एंड वन लैपटॉप टूगेदर दे कैन ज्वाइन टूगेदर सो दट एवर वी आर डूंगन डू ऑन योर लैपटॉप सो दैट यू कैन लर्न साइमल्टेनियसली बाई डूंगल है दोनों चीजें हैं वो दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं वी वुड अलाउ द एक्सेस फ्रॉम टू डिवाइसेस तो आप साथ करके सीख सकते हो अदरवाइज अदरवाइज यू Can watch the demonstration, whatever is being demonstrated in front of you in this particular class. So you just go through it. And after, and be rest assured, the class is going recorded. Class record. Ho rahi hai. Koi baat nahi, aap join class is getting recorded. And tomorrow morning, this recording will come to you either in the group. Which is being created uh, with all the members, and if not, you are not a member over there, then please ping us, uh, ping anyone who has introduced you here, so he will send you separately. वो आपको separately भेज देंगे। सत्या जो लोग लैपटॉप से जुड़ रहे हैं, please उनको कनेक्ट करते जाओ। And ये आज लैपटॉप की ही एक्सरसाइज है, मेजर एक्सरसाइज लैपटॉप की है। बिकॉज मोबाइल से बनाने वालों को वो पेड पेड ऐप ऐप होते हैं वी वुड नॉट रिकमेंड एनी फ्री में सीख सकते हो तो बेटर लैपटॉप थोड़ा लैपटॉप आता है आपको थोड़ा कंप्यूटर आता है यू कैन डू इट बेटर वे तो चलिए सब जुड़ गए हों तो मैं इसे शुरू करूंगा एंड पूरा डेढ़ घंटा हम इसको बार बार रिपीट करके सीखेंगे एक नहीं कई बार सीखेंगे तो बिल्कुल चिंता चिंत, आ, बिल्कुल चिंता छोड़ दें कि आपको सीखने में कोई दिक्कत होगी आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं मैं आपको पहले फॉर फर्स्ट और फिफ्टीन मिनट्स आई वु लेट यू नो वॉट इज द थेरी पार्ट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट वी वुड मूव अहेड टू जस्ट डू इट टू डेमोन्स्ट्रेट इट और कैसे वो होगा वो मैं आपको लेके चलता हूं इसके लिए uh, uh, ओके yes, okay. अभी ठीक आएगा yes, great, thank you. तो अभी सब लोग आ गए सत्या हम शुरू कर सकते हैं यस गुरु शुरू करो चलो ग्रेट तो कितने लोग तैयार हैं राइट right, रेडी लिखो रेडी इन द चैट बॉक्स तो बस थोड़ी एनर्जी दो हमें प्लीज गिव अल्फ स्टार्ट सो देट वाह wow, ग्रेट आपकी रेडी सुन के ना हमें अच्छा लगता है वाह वंडरफुल ग्रेट और एवर रेडी वाह ग्रेट सुंदर जी ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया साहिद पठान जी ने हैंड रेज किया है जिनको कोई प्रॉब्लम बीच में है दे कैन रेज देयर हैंड एंड बी वुड बी स्टॉपिंग That exercise और आपकी क्वेरी को uh, रिजोल्व करेंगे, करेंगे जब भी आपको लगे आप हमें रोक सकते हैं चलिए मेरे साथ आगे बढ़े सो व ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेन फॉर टूडे हाउ टू मेक एक्सनेबल एंड क्लिकेबल डिजिटल बिजटिंग कार्ड हाउ टू पुट फेसबुक व्हाट्सअप कॉलिंग वेबसाइट ईमेल यूट्यूब व्हाट्सएप एंड क्यू आर कोड दीज लिंक्स ओवर देयर कैसे आप रख सकते हो वो आज हम ये सीखने वाले हैं और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आज यही करेंगे नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर बेसिकली थ्री थिंग वन हाउ टू डिजाइन डिजिटल विजिटिंग कार्ड हाउ टू मेक देम क्लिकेबल हाउ टू पुट आर कोड इन इट एंड सेंड अहेड और शेयर टू द पीपल अहेड हम आगे इसको कैसे लोगों को शेयर करें वो हम आज यहां करने वाले हैं चलिए

they keep it with them for their future use now so can you tell me what are the uses and what are disadvantages of this uh, physical visiting card now the conventional card so advantages to leave behind yes and it's uh, so already it's written on the slide but the message is there but Definitely, it was only the sole purpose of it to suppose in future we want to remind this again or remember it again. We can see that card and dial the number or information. Great, so great. Sir, so, physically, when we meet somebody, we mm -hmm. need to, uh, for example, uh, if we meet some uh, higher authority, mm -hmm. to mm -hmm. or PS, um, personal secretary or personal assistant, we mm -hmm. have a card. Mm -hmm.

कुछ बताना चाहेंगे इसमें Hello? आप फिजिकल अप... कार्ड yes, yes, में हम सिर्फ uh, कुछ पॉइंट कर सकते हैं और yes. उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है बट डिजिटल कार्ड में हम अनलिमिटेड कितना भी हम इंफॉर्मेशन uh, इनपुट कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट बहुत कम लगती है वेरी गुड बहुत बढ़िया सो ग्रेट एक पॉइंट करूं यस yes, प्लीज डिजिटल कार्ड का हम अपडेशन अपडेट ग्रेट वंडरफुल बहुत बढ़िया सो ग्रेट सो ग्रेट ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपका कि यू कैन नॉट एडिट द फिजिकल कार्ड इन केस यू आर गोइंग टू एडिट इट यू हैव टू रीप्रिंट इट वंस अगेन एंड व्हाटएवर एवर स्टफ यू हैव इन योर हैंड सो दैट इज आउट ऑफ यूज इन केस यू हैव चेंज योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और द पर्सन हैज चेंज्ड देन एवरीथिंग व्हिच इज ऑन पेपर दैट इज वेस्ट

तो वो पूरा का पूरा स्टफ चेंज होता था अगर किसी शहर में हमने पूरी मार्केटिंग ऑफिस को चेंज किया तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल था कि एक छोटा सा चेंज जब भी आप एड्रेस चेंज करते हो तो फिजिकल पर तो बड़ा मुश्किल होता है प्लस वट एवर यू हैिंटेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड टिल द टाइम दे आर नॉट एंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर डिजाइन एक ये, ये, ये इश्यू था तो बहुत सारी चीजें कन्वेंशनल के साथ जुड़ी हुई है रादर नाउ द टाइम हैज चेंज्ड

Mm. And uh, not even three hundred thousand five hundred cards, five hundred oh, each oh. for uh, to my, two of my team members also, mm. and uh, brochures almost thousand uh, brochures, which mm. cost me three thousand five hundred in total. Mm. And uh, incidentally, the business what I was doing is mm. actually in into some kind of uh, sinking mode. So mm. and all that is wasted now. In fact, I cannot use it because I don't plan to continue with that anymore. Oh my so that God. 3,500 has just gone down the drain. And uh, without any, uh, it's just lying as a waste. Probably I'll have to, you know, throw it out. That oh my God. So thank you, sir. Thank you for sharing. But the waste of money is very little waste. But actually, the waste of ink, the waste of paper, and to create that paper, how much amount of water was used? so so I have seen the paper manufacturing units a lot of water they consume to create papers so And that trees is also paper. cut. Yes. Are also cut cut yes यूनिट ऑफ वाटर हम trees की बात हम नेचर की बात इनवायरमेंट को भी हम सेफ कर सकते हैं रादर ये छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बट फ्रॉम योर साइड इट वुड बी contribute तो मैं ये चाहूंगा कि आज से आगे आज जब आप सीख जाएंगे तो प्लीज टेक अ प्लेस majority में यानी जहां तक पॉसिबल हो प्लीज यूज डिजिटल कार्ड्स नॉट फिजिकल कार्ड्स वैसे तो जब तक ये कोरोना लॉकडाउन है तब तक आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि आप फिजिकल कार्ड्स यूज कर सकें बट आप इसको आदत बना लेंगे तो ये हमारे और आपकी तरफ से नेचर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा ठीक है तो मैं ये चाहूंगा आप सब ये लिखें कि आज के बाद आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड ही यूज करेंगे सिखाने की गारंटी हमारी है बस आपको यूज करना है प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स फिर मैं आपको स्टार्ट होता हूं आगे बढ़ते हैं यस प्लीज राइट मी प्लीज राइट मी इट्स अ प्लेज इट्स अ कमिटमेंट ऑफ यू विद योर सेल्फ एंड फॉर द सेक ऑफ दिस एनवायरमेंट फॉर द सेक ऑफ दिस नेचर बिकॉज ड्यू टू द हार्म एंड शॉर्टेज ऑफ दिस नेचर एंड द ट्रीज वी आर फेसिंग आज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हम तो कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी प्लेस हम इनवायरमेंट के लिए लें आप सबके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा ठीक है थैंक तो विजिट, यू विजिटिंग कार्ड बन भी चुका है सर अगर वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया मैंने देखा है मैंने आज लोगों के साथ शेयर भी किया है वो तो चलिए अब हम डिजिटल विजिट इस कार्ड की तरफ बढ़ते हैं मानी पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ जा रहे हैं नए जमाने का कार्ड ऐसा होगा दिस विल लुक लाइक दिस वे नेवर यूल होल्ड योर मोबाइल इन योर हैंड सो दिस कार्ड वुड बी लाइक दिस पीपल वुड बी हैविंग एक्सेस ऑफ योर कार्ड ओवर मोबाइल फोन ओवर कंप्यूटर जहां भी जिस लिंक पर क्लिक कर देंगे दैट लिंक विल बी एक्टिवेटेड लिंक्स विल बी आई मीन क्लिकेबल यस रसी जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेलकम सर तो वो क्लिकेबल होगा आप उसमें आ सकते हैं और आप फोटो रख सकते हैं अपनी क्योंकि जो फिजिकल विजिटिंग कार्ड थे वहाँ फोटोज का चलन कम था अच्छा नहीं लगता था बट ये वाला जो डिजिटल कार्ड है ये फोटो के साथ ज्यादा अच्छा लगता है तो यू पुट योर फोटो फोटोग्राफ ओवर देयर, स्माइलिंग फेस चमकते दांत अच्छा सा फोटो बीच में आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स नीचे आपके सारे लिंक्स और यू कैन पुट योर क्यू आर कोड ओवर देर ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है आज आप सब सीख के जाने वाले हो यहां से इसके बेनिफिट क्या है यू कैन क्रिएट इट योर सेल्फ यू नीड नॉट टू गो टू द डिजाइनर और प्रिंटर नो प्रिंटिंग कॉस्ट नो डिजाइनिंग कॉस्ट नो हैसल्स यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑन योर लैपटॉप ऑन योर डेस्कटॉप आप अपने घर में कर सकते हैं सेकेंड जीरो कॉस्ट यू नीड नॉट टू पे एनी थिंग टू एनी वन

or it's a inbox of WhatsApp or telegram or whatever application you are using and easy to reach easy to save save means it can be saved in a mobile Your contact automatic mobile may save ho so that for future use if somebody want to explore and open or call or contact Dr. Sasa or sa, Mr. Rashid or Mr. Sundar vajpayam then

सर एक क्वेरी पूछूं यस प्लीज कार्ड हम किसी का भी सेव करेंगे तो हमारे मोबाइल की कितनी मेमोरी यूज हो जाएगी सिंपल जितनी एक कॉन्टेक्ट को सेव करने में होती है आ, आप जी. एक कॉन्टेक्ट को मोबाइल आप जब इसमें पूरा ये सेव नहीं होने वाला है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना इट इज नॉट गोइंग टू सेव दिस वे सिर्फ नाम मोबाइल नंबर और लिंक एड्रेसेस इतना सा पार्ट सेव होगा ये बिल्कुल फिजिकल इमेज नहीं सेव होने वाली है नहीं, नहीं तो लोग कैसे हमें क्लिक करके कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे फिर या? नहीं जब सेव हो जाएगा तो सेव के लिए फिर वो क्लिक नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ सेविंग क्योंकि हुँ. आपने आज उनको व्हाट्सअप में भेजा तो व्हाट्सअप में आप क्या करने वाले हो वो व्हाट्सएप की चैट तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी ये एज इट इज सेव नहीं होगा इसका बीसीएफ फाइल सेव होगा जैसे कॉन्टेक्ट आपको शेयर करते हैं ना हम आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट शेयर कर दें और मैं उसको सेव कर दूं तो वो मेरी आ, मेरे एड्रेस बुक में सेव हो जाएगा और वट एवर सेव्ड जब भी मैं आ, अलका मेहते जी को ढूंढूंगा तो वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स मेरे सामने आ जाएंगे एक कॉन्टेक्ट के फॉर्म में नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस विजिटिंग कार्ड विजिटिंग कार्ड विल यस विजिटिंग कार्ड कार्ड विल नॉट गेट ओपन क्योंकि ये एक फाइल की फॉर्म में था वो फाइल पता नहीं चैट में कहा चली गई बट वो आपका बीसीएफ फाइल जो है वो आपके फोन में स्टोर हो गया एंड वही आपको जरूरत है एक कॉन्टेक्ट को जैसे सेव करते हैं ना वैसे एक विजिटिंग कार्ड से फिजिकल विजिटिंग कार्ड से आपने आपने नेम लिया 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 नंबर एंड फिजिकली मैनुअली वो टाइप करके सेव किया यहां वो क्या होता है वो बीसीएफ फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है तो आपको उसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो कैसे होती है चलिए शायद क्लियर हो गया सबको ये सर है जब हम contact share करते हैं ना अभी मैं करके बताऊंगा आपको तो वो BCF format में save होता yes, देखिए इस वेबिनार के दो पार्ट है डेटा बेस ऑफ योर फ्रॉम द करेंट कार्ड आपका बहुत कार्ड खाली पड़े होंगे कौन टाइप करे कौन लिखे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं इसे बस को स्कैन करना है स्कैन करते हैं सेरा सारा डेटा बेस पास आ जाएगा। वेरी गुड सत्या थैंक यू अब हम इसको बना कहाँ कहाँ सकते हैं आज बहुत सारे लोगों ने जब दिन में कुछ क्वेरीज थी मुझे फोन किया कि सर आपने 199 नाइन्टी में कार्ड बनाना सिखा रहे हो उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे हमें कार्ड बनाने का मैंने कहा नो

आप बना सकते हो क्रेलो डॉट कॉम इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू कैन क्रिएट ओवर देयर फ्री एडोव फोटोशॉप केस यू हैव दिस एप्लीकेशन ऑन योर डेस्कटॉप इट्स अ ऑफलाइन एप्लीकेशन इट्स अ डेस्क टॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन डिजाइनर्स जनरली यूज दिस अगर वो आपके पास है यू कैन क्रिएट ओवर दिस एडो प्रीमियर इनकेस यू हैव दिस एप्लीकेशन आप इस पर बना सकते हैं और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आपके मोबाइल पर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अवेलेबल है आप इस पर बना सकते हैं वो भी तो नहीं ने? है तो यस प्लीज आर नॉन क्लिकेबल ऑप्शन राइट नो ओनली कैनवा क्रेलो ये दो ऑप्शन जो है नॉन क्लिकेबल है अडोब फोटोशॉप अडोब प्रीमियर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड all four application are able to create non clickable and clickable both kind of visiting cards business cards upar wala canva and crello ye dono aapko sirf static card banwan banate hain but नीचे वाले चारों जो हैं ये आपको dynamic बनाते हैं clickable बनाते हैं x एकस, एक्सनेबल बनाते हैं तो आपको आप सब लोग Microsoft PowerPoint पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते होंगे ऐसा मैं समझता हूं आगे बात करेंगे आज के अलावा इन केस यू वांट टू क्रिएट इट ऑन मोबाइल फोन देन देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस बट वो उतने अच्छे नहीं है जितने ये जो एप्लीकेशन मैंने यहां बताए बट यू कैन क्रिएट दैम हाई हेलो इज वन एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर डीवी कार्ड इज वन एन एप्लीकेशन एट गूगल प्ले स्टोर सेलेक्स डीवीसी देर इज वन एप्लीकेशन स्नैपडेट के लिए यूज होता है, so, and... करके ऑप्शन नहीं है में। आ... करके, नहीं uh... Snapchat... नहीं है। two, three times right now. अच्छा नहीं है, तो कार्ड होगा वहां मुझे स्नैप डेट इज देर स्नैप डेट शायद फिर ऑप्सोलेट हुआ हो तो वो मेरे पास अपडेट नहीं है अगर नहीं है तो आइनिगो एंड्रॉइड एंड एप्पल पर मैंने एप्पल पर नहीं बनाए हैं आज मैं आपको एप्पल पर बताऊंगा भी नहीं बस आ, अगर एप्पल पर बनाने हैं आपको तो आप ऑनलाइन जाकर सिर्फ डिजिटल कार्ड सर्च करेंगे आपको पूरी सीरीज ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी आप वहाँ से कोई भी फ्री वाला एप्लीकेशन लेके डिजाइन कर सकते हैं यहां हम आज तो आपको सिखाने वाले देखे। 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 देखे� अच्छा डी ए टी है ओके okay, ग्रेट आप उसका फोटो लेकर ग्रुप में डाल देना मैम ताकि सबको क्लियर हो जाए चलो मेरी okay. तो जो हम क्लिकेबल बनाएंगे तो, तो किसी भी सिस्टम uh, मतलब विंडोज हो मैक हो या एंड्रॉइड फोन या एप्पल किसी में भी ओपन हो सकता है Absolutely. Yes. It would be ये एक लिंक बनेगा और लिंक हर जगह खुलता है एक हाइपर लिंक बनेगा और हाइपर लिंक सारी जगह सर तो इको इफेक्ट आ रहा है आपका किसी का माइक ओपन है प्लीज आप बंद कर देंगे अपना माइक तो इको इफेक्ट भाभी मैम का माइक ओपन है जस्ट चलिए अब बंद हो जाएगा तो अब इतने सारे एप्लीकेशन हैं अब मैं आपको एक सबसे सिंपल एप्लीकेशन पर आज इसे बनाना सिखाता हूं जो मैं ये उम्मीद करता हूं आप सबके पास अवेलेबल होगा कितने लोग हैं यहां हु आर कंफर्टेबल एंड दे यूज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कितने लोग हैं पावर पॉइंट यूज करते हैं प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स जस्ट आई और मी आई और मी इससे सिंपल और कोई एप्लीकेशन है नहीं इतना सिंपल है कि आपको लगेगा बस इतना सा काम था ओ माई गॉड आई थिंक एवरी वन इज एवरी वन इज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बट आज उसका एक फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको क्लिकेबल बिजनेस कार्ड बनाना सिखाएगा और आप बड़ी आसानी से उसमें बिजनेस कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड्स डिजाइन कर सकते हैं चलिए मैं आपको लेके चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अब बात शुरू होती है हमारी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम कैसे बनाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाने के लिए प्लीज आप पेन पेपर साथ रख सकते हैं या आप अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं सिर्फ फाइव स्टेप हैं आर ओनली फाइव फाइव स्टेप्स स्टेप्स क्रिएट दिस सिंपल एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाएंगे जो लोग अभी लैपटॉप साथ में खोला हुआ है आर अवेलेबल ऑन लैपटॉप पैरलली सो दे ऑल्सो कैन डू साइमल्टेनियसली भविष्य मैम ने शेयर किया है मैंने एक हजार रुपए दिया है क्लिकेबल पावर पॉइंट बनाने का और उन्होंने पीपीटी में बना के दिया है चलिए बाकी सब लोगों का एक हजार बचने वाला है आज और जिन लोगों को ये बिजनेस शुरू करना है ना बना के बेचना वो यहाँ से अब एक हजार नहीं आप प्लीज पांच सौ ही लेना पर आप बना सकते हो लोगों को इनकेस प्लीज मैंने ही बनाया था क्लिकेबल बनाने के लिए गॉड चलिए मैम बहुत पैसा है आपके पास भगवान भला करे आपका लोगों के काम आ रहे हो तो थैंक यू और आज आप सबका ये पैसा बचने वाला है और आप इससे कमा भी सकते हो जो लोग आगे इसे हमें सत्या को किसी ने चेज किया था कि सत्या आपको कार्ड बनवाना है तो पाँच सौ दे दो मैं आपका बना दूंगा सस्ते में क्लिकेबल तो सत्या ने मेरे साथ शेयर किया कि वो पाँच सौ में कार्ड बना रहे हैं तो मैंने कहा रुको अभी थोड़ी देर यस yes. किसी ने लिखा है कि डाउट हम बाद में ले लेंगे श्योर sure. मैं आपके साथ एग्री हूं आप प्लीज अपने पेन पेपर पर आप अपने क्वेश्चंस को लिखते जाओ हम आगे बढ़ते जाते हैं ताकि हम जल्दी से इस काम को सीख लें प्लीज मेरे साथ आगे बढ़ना और हम इसको बार बार रिपीट करके सीखते जाएंगे फाइव स्टेप में से पहला स्टेप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लें आप सारे द स्टेप वन टेक अ ब्लैंक स्लाइड 47.5 47 का एक ले, ले और मैं आपको डायमेंशन किसे चेक करेंगे कि मैं, मैं अभी मैं अभी मैं अभी लेके चल रहा हूँ सर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ सामने जाके मैं आपको ये I'm going to demonstrate it for you, sir. Don't worry. Just a minute. मैं एक एक स्टेप को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और आपको बस मेरे को वो देखते चलना है यहां से मैं एक मेरे स्क्रीन विजिबल होगा आपको स्क्रीन विजिबल है yes, कोई एक आदमी yes, और yes, यहाँ यहां से मैंने एक नया टेम्पलेट लिया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया एंड आई टुक द न्यू टेम्पलेट ब्रांड न्यू टेम्पलेट अ न्यू फाइल न्यू ब्लैंक फाइल ऑल वाइट सब कुछ यहां से हटा रहा हूं जो कुछ सामने है वो भी मैंने हटा दिया ओनली वाइट टेम्पलेट इज देयर सिर्फ वाइट टेम्पलेट यहां तक सबको जहां आपको किसी को मुश्किल हो वही मुझे पूछ सकते हैं जो लोग लैपटॉप पर हैं वो सिर्फ मेरे साथ फॉलो करते चलेंगे प्लीज कीप फॉलोइंग मी इन केस यू आर ऑन लैपटॉप देन टेक दिस वाइट ब्लैंक स्लाइड ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नाव ऑन यस प्लीज सर आप अभी जो बात कर रहे हैं ब्लैंक स्लाइड के बारे में हुँ. तो आपकी विजिटिंग कार्ड ही डिस्प्ले हो रहा है अच्छा अभी विजिटिंग कार्ड डिस्प्ले हो रहा है मेरा हाँ जस्ट ए मिनट सर अभी, yes, अभी वाइट अभी आ गया yeah. ये बिल्कुल ब्लैंक मैंने न्यू फाइल ली है और यहां तक किसी को मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे ओपन करने में सब लोग कंफर्टेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया ओपन करके एक नई फाइल ली नई स्लाइड ली सिंगल पेज स्लाइड है अब पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए आई गो टू द डिजाइन 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 टैब इज द फोर्थ टैब फाइल होम इंसर्ट एंड डिजाइन हर आदमी को डिजाइन वहां मिल जाएगा प्लीज नहीं है आप नोट कर सकते हैं ऑन योर पेपर स्टेप्स गो टू द डिजाइन एंड जब भी डिजाइन पर गए ऑन योर राइट साइड ऑन द टॉप आपके टूल बार में There is one slide size option, slide size. Click on it, and there would come a drop down menu with three options standard, wide screen, custom slide size. So you have to go to the third one option, custom slide size. And now one window will appear on your screen and it will ask you the dimensions. ट डायमेंशन यू वॉन्ट टू फुट ओबर तो कौन से डायमेंशन आप रखने वाले हो अब आपका वो साइज है राधर आप किसी भी साइज का बना सकते हो बट जो साइज हमने अभी डिस्कस किया था वो साइज हम यहाँ लेंगे तो हमने कौन सा साइज डिस्कस किया था क्या डायमेंशन मैंने बताए थे कौन बताएगा मुझे फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी 47.5 एंड टू 26.5 अब मेरे स्क्रीन पे 47 का मतलब है हाइट सर सर ये विंडो पे कहां पे आए स्लाइड साइज अच्छा वो राइट में हां राइट में ये रहा सर स्लाइड साइज ये ओक, वाला ओके ओके यहां से ये छोटा विंडो खुलेगा कस्टम कस्टम स्लाइड्स कस्टम स्लाइड यस 47.5 इज द हाइट एंड 26.5 इज द विड्थ

और ये मोबाइल हैंडहेल्ड गैजेट्स जो है वर्टिकल लंबाई ज्यादा है और यानी चौड़ाई इसकी कम है लेसर देन इट्स लेंथ दैट्स हैव टू चेंज इट तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने कार्ड को खड़ा करना पड़ेगा बी हैव टू मेक वर्टिकल कार्ड्स नाउ नो मोर हॉरिजेंटल कार्ड्स क्योंकि

लेंथ खड़े होके अगर वो आपका ऐसे आ जाए तो बस उसको चेंज कर दो उसका ऑप्शन की उसको वर्टिकल है।, जो जो है एक बार सब पहुंच जाओ मेरे साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां तक सब पहुंच गए कंफर्टेबल है सब मैक्सिमाइज पे करो चाहे आप दूसरे वाले ऑप्शन पे करो आप ऐसे पहुंच जाएंगे तो डायमेंशन का विंडो तो फिर एक बार बताएंगे क्या हाँ डायमेंशन इज फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी वो डायमेंशन समझ गया मैं लेकिन जो आपने सेट किया था जैसे सेट किया है ना हाँ तो वो वो भी ही नहीं। है फिर एक, एक मिनट यहाँ से डिजाइन पर गए पहले डिजाइन फोर्थ वन टैब है डिजाइन एंड देन ऑन द राइट टॉप देर इज अ स्लाइड साइज एंड इन स्लाइड साइज वेन एवर यू क्लिक

दिस इज द रेशियो ओनली रादर इन एनी रेशियो आप इसको डिजाइन कर सकते हो बट ये रेशियो ऐसा है जिसमें आपका डेटा आपका कंटेंट बहुत अच्छी तरह हर साइज के मोबाइल पर ठीक दिखाई देगा पर्टिकुलर साइज रादर देर इज नो एनी फिक्स रूल के आप ये साइज लोगे यू कैन चेंज द डायमेंशन एज पर योर कन्वीनियंस बट ये डायमेंशन आपके सारे गैजेट्स पर सारे हैंड हेल्ड पर इक्वली सो होगी इसलिए आप इसको आइडेंटिकल ले सकते हैं सर वो ओरिएंटेशन नोट्स वगैरह उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है राइट नहीं आपको अब यहाँ लैंडस्केप करोगे तो ये ऑल्टर हो जाएगा देखो विड्थ बड़ा हो जाएगा और हाइट हाँ। कम हो जाएगा तो आप इसको पोर्ट्रेट रखो तो ज्यादा बेटर है पोर्ट्रेट ओके हाँ पोर्ट्रेट रखो और हमें सोचना बस ये है कि विड्थ हमारी कम और हाइट ज्यादा हो फोर्टी हमारी लेंथ होनी चाहिए यानी हाइट होनी चाहिए अब वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं तो ऐसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये यहां आ गया अब आपके पास ये ब्लैंक टेम्पलेट रेडी हो गया तो फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं यहां तक किसी को मुझे लगता है कोई इश्यू नहीं है अब मैं सेकंड स्टेप पर जाऊंगा और सेकंड स्टेप हमारा है कि ये साइज हमने ले लिया और उसके बाद अब बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है हमें बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आप कि इसको थोड़ा कलरफुल करना है कलरफुल करने के लिए अब मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि एक तो आप इसे पूरा कलर करना है तो क्या कर सकते हैं यहां से टॉप से यू कैन पिक अ बॉक्स एंड ये बॉक्स लेने के बाद यू कैन स्प्रेड इट ओवर टू द कंप्लीट एक मिनट ये मैं सारे वीडियो पैनल को हाइड कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो तो जरा वापस दिखाइए बॉक्स मैंने यहां से लिया मैं वापस जा रहा हूं एक एक स्टेप आप ले सकते हो आई टुक फ्रॉम हेयर यहां से मैंने कर्सर को स्ट्रेच किया और मैंने इसको पूरे पर स्प्रेड आउट कर दिया ये स्प्रेड आउट हो गया नाउ न पुट एनी कलर इन इट कोई भी कलर फिल करने के लिए वॉट यू हैव टू डू गो टू देप फिल इट इज ऑन द टॉप शेप फिल टेक एनी कलर फ्रॉम हेयर कोई भी कलर आप ले सकते हो वट एवर कलर यू वॉन्ट टू यूज एज अ बैकग्राउंड आप कोई भी कलर यहां से ले सकते हो मैंने ये कलर ले लिया तो ये कलर हो गया नाव बाउंड्री ब्लैक आ रहा है तो इनकेस यू वॉन्ट टू रिमूव द बाउंड्री तो गो टू दिस सेप आउटलाइन एंड पुट नो आउटलाइन हियर नाउ देर इज नो एनी बाउंड्री अब कोई बाउंड्री नहीं है और ये पूरा ब्लैंक आपका एक कलर बैकग्राउंड आ गया आपके पास नाउ आपको क्या करना है इसके थ्री पार्ट करने हैं इस बॉक्स के कहा जस्ट ए मिनट मैं वापस जा रहा हूं एक बार ये डिलीट किया मैंने वापस रिपीट करूंगा मेरे पास पूरा एक घंटा है अभी और स्टेप्स बहुत कम है मैं बार बार समझाऊंगा आप समझते जाना जहां दिक्कत हो आप बीच में मुझे पूछ सकते हैं और ये मैंने यहां से ऊपर से एक बॉक्स पकड़ा सर ये शेप्स का एक आ, यहां पूरा बॉक्स आता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड शेप है तो आपको क्या किया है क्योंकि आपने स्क्वेरिकल शेप ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप ऊपर जाकर एक स्क्वेर या रेक्टेंगल शेप है ये इस रेक्टेंगल शेप पर जैसे ही क्लिक करोगे बेनवर यूल क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल शेप Then, आप, आप, ही ये शेप्स आती है सर यहां और इंसर्ट में जाओगे वहां भी है ये इंसर्ट में जब जाओगे तो आपको शेप पर, पर क्लिक करना पड़ेगा देन ऑल्सो यू विल गेट द रेक्टेंगल सेप फ्रॉम देअर आइदर होम एंड इनसर्ट आपको शेप्स दोनों जगह मिलेंगी एंड वेन एवर यूल क्लिक ऑन दिस सेप एनी ऑफ द सेप देन the cursor will be changed in plus sign and whenever you click your mouse somewhere on the top and keep dragging it towards the other end jahan tak aap le ja kar isko chhod doge it will spread it over on your slide theek hai what is the option that you had gone for for selecting the color Yes, so अभी मैंने by default color लिया है मैंने कोई color नहीं लिया वो जो color by default था वो आ गया Now

and whenever you go to this format uh, tab then this will be shifted to the left side but it is again available in both the tabs one is home and second is format i think this is clear to you now abisco use case so you just click on this shape and go to the shape fill it will give you all the color combinations here you can take any of the color from there you can take color so i selected a color

आप ये देखो कितना प्यारा ये मैंने टेक्सचर यहाँ फिल किया और इस टेक्सचर पे अगर आपको कोई सेफ कोई इमेज फिल करनी है तो आप यहां से पिक्चर ला सकते हो ग्रेडियंट लाना है तो ग्रेडियंट ला सकते हो यानी कलर को स्प्रेड करके कहीं हल्का कहीं भारी दैट ऑल्सो कैन बी डन लाइक दिस ये देखो नीचे लाइट है ऊपर लाइट है नीचे डार्क है तो इट कैन बी डन हियर तो आप जब भी किसी शेप को फिल करोगे तो इट गिव्स यू फोर ऑप्शंस वन पिक्चर ग्रेडियंट टेक्सचर एंड कलर तो ये चार चीजें आप यूज कर सकते हैं मैंने यहां ये कलर ले लिया नाव इसका बाउंड्री ब्लैक कलर का आ रहा है नाव आई वॉन्ट टू रिमूव द बाउंड्री देन आई कैन इन केस आई वॉन्ट टू रिमूव द बाउंड्री अगेन गो टू द शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन एंड इन आउटलाइन यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कलर इनकेस यू वॉन्ट टू रिमूव द नो आउटलाइन इनकेस यू वॉन्ट टू पुट आउटलाइन देअर देन आप इसका वेटेज बढ़ा सकते हो मैंने यहां से इसका वेटेज बढ़ाया ये देखो ये मोटा कलर मोटा कलर हो गया तो ये मेरे पास एक बेसिक सा डिजाइन बना बैकग्राउंड में और मैं इसको व्हाइट करूंगा क्योंकि मुझे व्हाइट यहां अच्छा लगेगा तो मैं इसको व्हाइट कर लेता हूं व्हाइट फिल कर लेता हूं ये लीजिए आपको दिखाई बहुत अच्छा देगा तो अब इसके मुझे तीन पार्ट करने हैं मेरा बैकग्राउंड रेडी हो गया अब बैकग्राउंड में मुझे थर्ड स्टेप में कंटेंट फिल करना है कंटेंट फिल करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि वहां हमें क्या क्या चाहिए होगा कंटेंट फिल करने के लिए तो कंटेंट में मुझे चाहिए फोटो सबसे ऊपर फोटो के बाद मेरा नेम नेम के बाद मेरा डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन के बाद मेरा कंपनी नेम कंपनी नेम के बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट्स और एक और अगर मुझे चाहिए होगा वो मेरा ऑप्शनल है ये मेरे मैंडेटरी है कि फोटो हो नेम हो डेजिग्नेशन हो कंपनी नेम हो कांटेक्ट कोऑर्डिनेट्स हो कि लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे एंड देन अगर आप चाहते हो क्यू आर कोड देन इट इज ऑप्शनल कि लोग क्यू आर कोड को स्कैन करके आपके कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकें दीज फा रिक्वाड टू पुट इन फॉर्म ऑफ कंटेंट ओवर अब यह फाइव थिंग्स कैसे होंगी यह सबसे बड़ी टेक्निक आज आपको सीखने की यही बात है पावर पॉइंट में तो आप आराम से कर सकते हो बट असली टेक्निक है कि कौन कहा रखना है वेयर यू हैव टू पुट द थिंग्स नाव आपको क्या करना है कि आपको अपनी इमेज लानी है मैं यहां इमेज लेकर आ रहा हूं और इमेज यहां से इंसर्ट किया पिक्चर पिक्चर इंसर्ट करके मैंने क्या किया मैं अपनी ही पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं और अपना ही एक कार्ड बना रहा हूं आप में से कोई अपना कार्ड बनवाना चाहता हो तो मुझे पिक्चर भेज दें अपनी और कंटेंट बताते चले बस मैं आपका बना सकता हूं तो मैंने यहां अपना पिक्चर ले लिया देखना ये रहा। ये पिक्चर ले लिया अब ये मेरा पिक्चर आप देखेंगे व्हाइट बैकग्राउंड था तो मेरे पिक्चर का भी बैकग्राउंड व्हाइट है और अगर मैं यहां बैकग्राउंड चेंज कर दू हर चीज बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं ठीक है अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं तो मेरा व्हाइट बैकग्राउंड हट रहा है अब मैं कोई भी बैकग्राउंड बनाऊं ठीक है ये यहां से अगर मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं तो मेरे पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज नहीं मेरे मेरी फोटो के पीछे जो व्हाइट कलर था वो नहीं आएगा तो ये पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी अब मैं चाहूं मेरे इसका बैकग्राउंड चेंज करना पिक्चर का तो मैं कर सकता हूं ये देखिए राधर आई कैन डू इट बट मैं अभी से नहीं कर रहा मैं वापस इसको वाइट कर रहा हूं ये वाइट हो गया यहां मैंने अपनी इमेज रख दी सबसे टॉप पर मुझे इमेज रखना है सबसे टॉप पर फोटो का बैकग्राउंड आपने कैसे चेंज किया एक सेकंड दिखाएंगे जब भी जिस चीज का भी बैकग्राउंड चेंज करना है आपको तो आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें लाइक आई सेलेक्टेड दिस फोटोग्राफ देन वेंट टू द शेप फिल

All photo or it's अबे all photo JPG something or anything is okay. so yes yes I'm I'm going to share it so photo is generally uh, JPG or PNG you can put it here photo in the form of JPG or PNG you can put it here अब आपका कोई photo ऐसा है यहाँ एक बहुत बड़ी बात है यहाँ discuss करने की कि मैं एक image अभी यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ and uh, this image मेरा जो ओरिजिनल इमेज है वो वही लेके आ रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द हियर लाइक ये सत्या की इमेज है इमेज सो दिस इज माई फेलो माई ब्रदर here he is a trainer सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज नाउ आई एम ब्रिंगिंग इंसर्टिंग द मॉडिफाइड इमेज So this is the same image, but it has no background now. It has no background now. So how you would remove this background in case you are a layman person, you are a professional, but you do not know desktop publishing, then it would be hard to you just remove the background. How to remove the background? Jo apne practically the picture, which is in the original shape, it has a certain background. Now, in case you want to change the background of this,

ओ ओरिजिनल इमेज एंड योर इमेज इज नॉट ट्रांसपेरेंट देन यू हैव टू क्रिएट इट ट्रांसपेरेंट फर्स्ट हाउ सो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट इट कैसे आप इमेज को बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे यस सो देर आर शर्टेन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द वन बेस्ट एप्लीकेशन इज removal.ai removal.ai please note it down on your paper removal.ai rather there are so many portals and websites to remove background automatically but the removal.ai is good one to remove background perfectly so what you have to do you have just to upload your image choose a photo and I'm going to choose the photo and that is, सत्या ओरिजिनल इमेज दिस इज गोइंग टू बी अपलोडेड हियर आई थिंक इट इज विजिबल टू यू सत्या ये दिखाई दे रहा है हमें ग्रीन पार्ट वॉट एवर वॉज द इन द बैकग्राउंड दैट पार्ट हैज बीन रिमूव्ड ऑटोमेटिकली बाय दिस पोर्टल नाव यू हैव टू डाउनलोड दिस क्लिकिंग द डाउनलोड इट हैज कम हि यहां ये आ गई है और जब भी आप इसे ओपन करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस दिखाई दे रहा है सत्या ये आई थिंक आई थिंक अब मैं इस इस इमेज को अपने उस पोर्टल में इंसर्ट करूंगा नाउ आई विल इंसर्ट दिस इन द दिस पर्टिकुलर अभी पुराना वाला हटाता हूं देन इंसर्ट i have to insert this from the download folder because now it was in download folder remove dot ai tmp now i'm carrying it here so अभी तो आपको क्लैपिंग बनता है ना देखो आपकी हर एक इमेज ऐसे हो सकती है आधा आर्टिस्ट आप बन गए यू हैव बिकम हाफ ऑफ द आर्टिस्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स फ्रॉम एनी ऑफ योर इमेज नाउ द डाउनलोड एंड डाउनलोड हाई क्वालिटी so download high quality is a premium service wherein for uh, to downloading high quality image you would require to pay certain money to them they will charge something but download for the simple image you would not be charged anything but now you would not be getting any difference in both the images then there is no so much uh, i mean difference in it so you can download it easily आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर फ्री यू कैन यूज इट नाउ इन दिस सेकेंड इमेज विच इज द प्रोसेस्ड इमेज नाउ इन केस यू वॉन्ट टू फिल द डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सो यू हैव ऑप्शन नाउ। यू कैन चेंज एनी बैकग्राउंड कलर हेयर यू कैन चेंज एनी बैकग्राउंड कलर देख रहे आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ एम रिमूविंग दिस वन थिंग एंड पुटिंग दिस इमेज ऑन द टॉप पुटिंग दिस इमेज ऑन द टॉप

and just increase the font size here satya trainer and making satya bold and the name should be in the big font and the designation should be little smaller font so i'm putting it here so i'm creating very simple for first time then i would be teaching you how to add the various kind of designs over there how you can make this more attractive

And that is plus nine one uh, yeah. eight five eight six eight six two six zero eight. This is phone number and uh, reduce its size, aligned it, and I put over there. Phone, phone, and uh, in case you want to put WhatsApp. WhatsApp, then in, if the same number is at WhatsApp, then write WhatsApp here and email. Then put email over there like info at people trainers.in or anything, whatever you want to write over there. Email and the website in case you want to add over there. Then website. www.peopletrainers.in. So website you need not to write complete website, just write bab only. And it is. And you can put them in one box also. आप इसको एक बॉक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो. And मैं से साइज थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ. प्लीज आप प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज माइंड योर माइक्स प्लीज किसी का माइक ओपन है और बैकग्राउंड से साउंड आ रही है कर दिया सर यस थैंक यू यहां से आपने ये ले लिया रादर यू कैन पुट ऑल दीज कॉन्टेंट्स इन अगल बॉक्स अभी ये ऐसे आ रहा है ये रॉ है बिल्कुल प्लीज आप इसे डिजाइन बहुत आसानी से कर सकते हो यू कैन पुट इट हेयर अब अगर ऐसा बनाते हो तो ये बहुत छोटी जगह में आपका बन सकता है केस यू वॉन्ट टू क्रिएट इट इन हाफ द साइज यू कैन क्रिएट इट बट मैंने आपको बड़ा साइज बताया है ठीक है तो बड़ा साइज क्यों बताया है वो मैं आपको बताऊंगा ये आपका कार्ड बन गया सिंपली और इस कार्ड को अभी मैं क्या कर रहा हूं कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स हो गया नेम डेजिग्नेशन हो गया कंपनी नेम हो गया अब बचा मेरा क्यूआर कोड क्यूआर कोड मुझे कहीं से क्रिएट करना है वो बताऊंगा कहां से करेंगे आप मैं अभी यहां से क्रिएटेड क्यूआर कोड है मेरे पास विच आई एम कॉपीिंग फ्रॉम समवेयर एंड आई विल बी पुटिंग इट हियर हाउ यू कैन क्रिएट योर्स वन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्यूआर कोड जस्ट

yes that, that i will be, uh, i will but uh, i will be demonstrating ma'am so please just see that i have put it there so i have used the space now the four steps have completed i'm going to create this uh, link still it is not a clickable uh, visiting card so it is not clickable i'm going to save it so how this will be looking like आई एम सेविंग इट ऑन माई डेस्कटॉप सत्या सिंपल कार्ड इट विल बी सेव लाइक दैट एंड सर आपने जेपीजी में जैसा सेव किया क्या? मैंने जेपीजी में सेव किया है और मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जेपीजी में सेव करके हाउ इट कम्स ओवर देव going to whatsapp in case you want to share this card on whatsapp and i'm going there on whatsapp just a minute my mobile phone is showing low battery i'm going to put it in the whatsapp in case you want to share to somebody go to the desktop and it will

ग्रेट नाउ आई एम गोइंग टू एड द क्लिक लिंक्स हिस्स अब क्लिक लिंक्स कैसे बनेंगे सो क्लिक लिंक्स कैसे रखते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्लिक लिंक्स बनाने के लिए आपको इसको अब अट्रैक्टिव बनाना शुरू करना है हमें तो मैंने आपको बताया था आई हैव एक्सप्लेन यू That this space will be broken in three parts. The first part is this particular area wherein you are putting your uh, name, designation, phone, and company name. This is the part A. Part A. This is part A. And in part B, you would be putting contact coordinates. And in part C, you would be putting your

this box will be spreaded over i'll fill it with the different color making little designer yes so and bring these all select all of them right click bring to front now this box will go to the back of these all the contacts एंड नाउ रिमूविंग द आउटलाइन बाउंड्री अभी देखो इस पर थोड़ा डिजाइन आना शुरू हुआ एंड दिस इज अगेन गोइंग टू द बैक एंड ऑन द राइट क्लिक आई एम क्लिकिंग ऑन ब्रिंग टू फ्रंट इट विम टू दंट और ये थोड़ा डिजाइन एड हो गया अब आपको अच्छा लगेगा ये और ऊपर वाला अभी भी वाइट है ऊपर वाले का बाउंड्री मैं हटा रहा हूँ बाउंड्री अब अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा डिजाइन पे काम किया नो no आउटलाइन कर दिया एंड आई टूक इट अप टू द फोटोग्राफ यहां तक ले गया अब ये जो फर्स्ट पार्ट है द पार्ट वन इस पार्ट वन को मुझे रखना है 8.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट द पार्ट ए शुड बी 8.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एट पॉइंट फाइव हाउ यू कैन मेजर दिस जस्ट ड्रॉ लाइन ओवर देअ And right click on that line and uh, click on size and position. It will show you 8.6 centimeter. It should be between 8.5 to 8.6, 8.7. Not more than this. Why? I will explain this letter. मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्यों इतना रखना है. But मैंने अभी इसको 8.6 किया. यहां तक समझ में आ गया कि हाउ आई मेजर्ड दिस एट पॉइंट सिक्स फॉर पार्ट ए मैं वापस एक बार ड्रॉ करता हूं दिस वन राइट क्लिक एंड साइज एंड पोजिशन एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर इट शुड बी एट पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर बिकॉज आर द होल लेंथ वॉज हाइट वॉज फोर्टी सेवन एंड आउट ऑफ दी सेवन अराउंड वन सिक्स पार्ट शुड बी ए पार्ट क्यूँ होना चाहिए ये आपको रिजल्ट बाद में पता चलेगा ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया नाउ अब मैं कंपनी नेम को मैंने यहां डिजाइन करके थोड़ा यहाँ रख दिया आई चेंज कलर ऑफ दिस सो आम डिजाइनिंग इट लिटिल विथ एंड मेड इट लिटिल बिगर मार्गदर्शन गुरु और उसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया ये अब ये अब कॉन्टेक्ट कोऑर्डिनेट्स को मुझे थोड़ा डिजाइन करना है तो हाउ आई विल डिजाइन देम प्लीज सी मी गोइंग टू इंटरनेट इंटरनेट पर जाने के बाद Just Google uh, contact icon transparent background. Contact icon transparent background and search the image of transparent background contact icon. So there are a lot of contact icons I'm getting here. So you can get any of them, like uh, this, you can select.

टुक इट फ्रॉम इंटरनेट एंड आई पुट इट हि देखो अभी अच्छा लगेगा याप। ये आपको ये एंड नाउ वट एवर आई रोट इन द फॉर्म ऑफ पी एच ओ एनी फोन नाव आई रिमूव डिट फ्रॉम देयर सो फॉर टेलीफोन वट एवर वॉज मैंस इन द फॉर्म ऑफ फोन तो आई हैव टुक एन आईकन फॉर दिस ना फॉर व्हाट्सएप द सेम वे आई विल गो टू द इंटरनेट एंड विल सर्च वापस इंटरनेट पर जाऊंगा आई विल सर्च वन आइकन कॉन्टैक्ट आइकन नाउ व्हाट्सएप आइकन व्हाट्सएप आइकन क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ देम कोई भी आप ले सकते हैं यहां से बहुत सारे हैं आई कॉपीड वन फ्रॉम हेयर रहेगा तो बिजनेस का आइकॉन लेना पड़ेगा यस yes, यस yes, जो भी आइकन ले सकते हो मैं आपको बिल्कुल रूट बता रहा हूं कि आप कुछ भी सर्च मारेंगे बस आपको क्या करना है जस्ट सर्च ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आइकन वाई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सो दैट इट शुड नॉट कैरी एन द एनी बैकग्राउंड लाइक दिस इज कैरिंग अ बैकग्राउंड हियर वो जो गलती से अब ये बुरा लगेगा यहाँ तो आई वंस अगेन हैव टू गो ओवर दर और मुझे कोई ऐसा बैकग्राउंड लाना कोई ऐसा लाना है जिसका वहां बैकग्राउंड ना हो तो आई एम कैरिंग द डिफरेंट वन एक और लेकर आ रहा हूं ना removing this one because it has a background which i should not have now i'm carrying one which has no background so it will look colorful here and now removing whatever i have mentioned in the form of whatsapp in language that i've removed it will look little creative than the previous one the same way

जस्ट ए मिनिट यहां आई पुट ई मेल ऑल्सो दिस ई मेल हैज कम हेयर मैं थोड़ा स्पेस को थोड़ा डिजाइन को आप ऊपर नीचे कर दूंगा बिकॉज आई वुड रिक्वायर फोर आइकम्स देर अभी मुझे यहां से टेक्स्ट में से ई मेल को हटा देना है आपको शायद दिखाई दे रहा है ईमेल एंड देन वेबसाइट the same way i would require one for website sir isko size mein bada kar do thoda sa ki dik dik pae log yes satya mai abhi abhi karta hu thank you and i think now it is better sir better yes great तो यहाँ बढ़ा करके आपको डिजाइन करने में भी बड़ा अच्छा लगेगा आप इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हो दिस वे ईमेल आपने ऐसे रखा अब बैब के लिए भी आपको क्या करना है एक आइकन लेके आना है तो आई एम कैरिंग वन आइकन फॉर बैब ये ले लिया ये लीजिए ये चार आइकन आपके यहां आ गए आप इन्हें सेंटर कर सकते हो आप इन्हें लेफ्ट कर सकते हो राइट right कर सकते हो डिजाइनिंग आप खूब कर सकते हो इसमें जितना करना चाहते हो एवरीथिंग यू कैन डू रादर आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हो सो आई विल एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू कैन यूज दीज थिंग्स रेडीमेड नाउ स्टिल इट इज नॉट क्लिकेबल आई जस्ट हैव पुट आइकन्स वाई आई हैव पुट आइकन्स बिकॉज ऑन आइकन योर कर्सर कैन बी पुट

फोन के लिए जो भी रखने वाले हो हाइपरलिंक में क्या रखना है जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट आपको हाइपरलिंक में क्या लिखना है हाँ ये रहा जस्ट क्लिक राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन हाइपरलिंक नाउ वन विंडो बिल ओपन ओवर देयर एंड फ्टर क्लिकिंग वेन समबडी क्लिक कहा जाएगा तो वो एड्रेस आपको देखना है तो मैंने यहां अपना एड्रेस लिखा मैंने सत्या का लिख दिया नाइन वन एट फाइव एट सिक्स एट सिक्स टू सिक्स जीरो एट उसके पहले आपको लिखना है टीई एल कॉलन प्लस नाइन वन एंड फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर यह हो गया और सेम वे अगर मुझे यहां भी हाइपरलिंक लिखना है दोनों जगह मैंने वही हाइपरलिंक लिख दिया एट फाइव एट सिक्स एट सिक्स टू सिक्स जीरो एट समझना मैं आपको बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा पर मेरे को बताने में ज्यादा टाइम लग रहा है ये आपका हाइपरलिंक बन गया सेम वे आप व्हाट्सएप के लिए हाइपरलिंक रखेंगे कैसे रखेंगे व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप के लिए हाइपरलिंक रखने के लिए आपको डब्ल्यू ए डॉट मी लगाना पड़ेगा और मैं आपको वो डब्लू ए डॉट मी कैसे लगाना पड़ेगा वो आपको दिखाता हूं बहुत सिंपल है ये आइकन आपने क्या किया यहां से राइट क्लिक किया हाइपर लिंक पर गए डब्ल्यू ए डॉट मी अब ये आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा मैं इसको बड़ा लिख के बता रहा हूं आपको कि बड़ा कैसे होगा ये क्या लिखना पड़ता है WhatsApp के लिए आपको हाइपर लिंक बनाने के लिए यू हैव टू राइट दिस वन स्टेटमेंट एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लैश बैक स्लैश डॉट डब्ल्यू ए डब्लू ए मीन्स व्हाट्सएप डॉट मी मी मीन्स मेरा ऑब्लिक व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस सत्या के व्हाट्सएप का नंबर होगा नाइन वन देन एट फाइव एट सिक्स एट सिक्स टू सिक्स जीरो एट सिंपल ये वाला आपको हाइपर लिंक रखना है तो ये तो नाइन के पहले प्लस नहीं आएगा नो नो प्लस वन प्लस वन नहीं आएगा सिंटेक्स आप देख लें एक बार एच टी टी पी एस डबल कॉलन डबल बैक स्लैश डब्ल्यू ए डॉट मीईलिक एट नाइन वन नो प्लस साइन वुड बी देयर नो डबल जीरो वुड बी देयर डायरेक्ट नाइन वन एट फाइव एट एंड वॉट एवर योर टेन डिजिट नंबर यू हैव टू पुट ओवर देयर एंड द सेम थिंग इज रिक्वायर

जस्ट ए मिनिट राइट क्लिक एडिट लिंक न्यू लिंक विल कम ओवर देयर नाउ इट विल सो यू मेल टू मेल टू अभी इसको क्या करना है मैं यहां दिखा रहा हूं मेल टू कॉलन देन योर ईमेल आईडी, मेल टू तो यहां मेल टू करना है और यहां और यहां दोनों जगह आपको इसको पेस्ट कर देना है दैट इज सिंपल एंड सर सर रिपीट करिए ना मेल टू कॉलन ये यहां रखा हुआ है मैम मेल टू कॉलन एंड इन्फो एट द रेट पीपल ट्रेनर्स डॉट इन लिंक पे जाने के बाद मेल टू ये कॉपी करना यस 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 जो आपका ईमेल आईडी है उससे पहले आपको मेल टू कॉलन लिख देना है दैट सिट Mail to colon, then your email ID and uh, put in the hyperlink for both of them here uh, for your icon as well as for your this uh, email ID, whatever you have mentioned over there. Hyperlink and type this one over there. Why? Because it is not necessary that the person will click on this, he might be clicking on this. अगर वो ई मेल पर क्लिक करता है तब भी वो क्लिक हो जाए और अगर वो आइकन पर क्लिक करता है तब भी क्लिक हो जाए एट बोथ इन केस क्लिक ऑन आइकन और ऑन द रिटिन टेक्स्ट द टेक्स्ट एंड आइकन बोथ शुड डू द सेम वर्क मतलब वो आपको वही काम करें जो उनको करना है तो ये तीन आपको पता चल गया कैसे रख सकते हैं हम अब मैं आपको चौथे की तरफ लेके चलूंगा तर, हाइपर लिंक लगाने के बाद अंडरलाइन आती है ये इसमें व्हाट्सएप में और मेल में नहीं आती है क्या नहीं वो मेल में नहीं आएगा वो मेल में नहीं आएगा अब हमें जाना है वेबसाइट लिखने के लिए तो वेबसाइट लिखने के लिए आपको क्या करना है एच टी टी पी एस मैं दिखाता हूं एक बार दिस वन इज द वेबसाइट लिंक एंड वेबसाइट लिंक के लिए वॉट यू हैव टू राइट बिफोर योर वेबसाइट एच टी टी पी एस डबल कॉलन डबल बैक्सलेस डब्ल्यू 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 डॉट योर डोमेन नेम जो भी आपका डोमेन नेम है लाइक दिस इज आर डोमेन नेम डब्ल्यू 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 डॉट पीपल ट्रेनर्स डॉट इन तो यहां आपको ऐसे लिख देना है तो मैंने यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है आई ऑलरेडी है आइकन

ये सब बताऊंगा आपको अभी चार को समझे पहले एक बार आप कार्ड बनता हुआ दिखाई दे जाए अच्छा यहाँ तक सबको ठीक है सो फार्फर्टेबल सर क्या आप मुझे फिर से एक बता हाइपर uh, लिंक दिखा सकते हैं यस एब्सोल्युटली सर व्हाट्सएप का हाइपर लिंक के लिए व्हाट यू हैव टू डू जस्ट गो टू हाइपर लिंक आई कैन राइट इट फॉर यू Just a minute. Sure, sir. Just I'm writing it for you. So what you have to W A dot M E or just a minute. मैं पूरा सिंटेक्स कॉपी करके ला रहा हूं आपको तो इजी होगा फॉर व्हाट्सएप यू हैव टू राइट एच टी टी पी एस डबल कॉलन डबल स्लैश डब्ल्यू ए डॉट एमई oblic 91 followed by your 10 digit number okay sir और सत्या सर, राइट क्लिक करके हाइपर लिंक में गए और बाद में एडिट लिंक में कैसे गए हाँ, एक मिनट मैम When आपका कोई लिंक नहीं लगा हुआ जैसे अभी मैं यहां जा रहा हूं मैंने इसको हाइपरलिंक किया यहां कोई लिंक अभी तक नहीं था then for first time it will come hyperlink when you put hyperlink over there then hyperlink will not come over there it will show you edit link open link copy link remove link when there is no any hyperlink there is no any link attached with any of your image or text then on right click it will show you the option to put hyperlink over there then it will show hyperlink but when you put hyperlink there कोई हाइपर लिंक नहीं लगा तो मेनेवर आई क्लिक देर नहीं हाइपर लिंक है वहां ये आया हुआ है ये देखिए तो ये हो गया क्लैरिटी है यहां इज दैट क्लियर टू यू यहां तक क्लियर है आपको अब मैं इसको क्योंकि आपको ये एकदम बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं इसको सेव कर रहा हूं अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा वो आपका क्यू आर कोड तो आई एम सेविंग इट इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ नाउ प्लीज रिमेंबर मेक अ नोट ऑफ इट दिस इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ एंड सत्याज कार्ड सत्याज बिजनेस कार्ड टेस्टिंग सेविंग इट ऑन माई डेस्कटॉप इट गॉट सेव्ड नाव आई एम गोइंग टू शेयर इट इन व्हाट्सएप फॉर यू व्हाट्सएप में मैं इसे शेयर करूं तो जस्ट ए मिनट दिस इज द्हाट्सएप है और वॉट्सएप में अगर मैं यहां इसको सेव करूं अभी देखना यह कैसा आएगा नाउ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में शेयर होता है ये ऑलवेज सत्या बिजनेस कार्ड टेस्टिंग एंड इट इज गोइंग टू सेलेक्ट इट देखिए अब ये इस फॉर्म में आएगा इट विल नॉट कम इन द इंटायर फाइल जैसा जेपीजी आया था मैंने आपको दोनों में फर्क दिखाने के लिए पहले जेपीजी बनाया था then ye PDF jayega. all the clickable link business cards will be saved and shared in the form of pdf only no jpg because in a jpg or png file it cannot be clickable file wherein a document which is being created in pdf or as a pdf document it gives you the facility of

टॉप एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एरिया विल बी डिस्प्लेड यू हैव टू पुट योर नेम एंडर फोटोग्राफ इन दै पर्टिकुलर एरिया सो दिंग विदाउट डाउनलोडिंग योर विजिटिंग कार्ड ही कैन नो ही कैन अक्नोलेज एक्नोलेज विद योर नेम योर डेजिग्नेशन एन योर फोटोग्राफ तो ये आपको पहले से ही पता हो बाकी चीजें नीचे पता चलेंगी इसलिए हमें साढ़े आठ सेंटीमीटर में ये चीज रखनी है now if i click on this satya trainer it is not clickable if i'm clicking this it is not clickable but whenever i'm coming to here the cursor is going to be in the form of hand it is going to change in the form of hand means in case i'm clicking on it from my mobile phone because i'm operating from desktop

Show all windows. कौन सा स्क्रीन दिखाई दे रहा सत्य अभी विजिबल नहीं है सर अब विजिबल ये वाला मैंने जो पीडीएफ ओपन किया था दिस वन ये रहा दिखाई दे रहा है यस सर इसमें से इफ आई क्लिक ऑन दिस देन

सो इट इज ओपनिंग द व्हाट्सएप मेरे डेस्कटॉप पर ही व्हाट्सएप को ओपन कर रहा है it will take time. बैटरी डाउन है फोन नॉट कनेक्टेड है In case I आई कनेक्ट द फोन इट ओपन इट तो यहाँ सबको समझ में आ गया ये क्लैरिटी है इज दैट क्लियर टू यू वैसे ही वो मेल में और वेबसाइट पे जाएगा मैं चल रहा हूँ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको वहीं वहां लेके चल रहा हूँ सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू देअ ट्स एप एंड देन ऑन द थर्ड वन वेवर यूल क्लिक ऑन ई मेल सो ये आपका ई मेल ओपन कर देगा ये देखिए इसने दिया सो बिच वन ई मेल यू वॉन्ट टू यूज इट इज आस्किंग मी फायरफॉक्स गूगल क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज आउटलुक सो मैं इसमें गूगल क्रोम ओपन करना चाहता हूं तो आप क्लिक ऑन इट और ये सीधे मुझे गूगल क्रोम ओपन कर दिया इसने यानी मैं मेरा जी मेल ओपन नहीं है

ईमेल पे मैंने जब भी क्लिक करूंगा तो ये सीधा देखो मेरा ईमेल के लिए मेरे को लेके जा रहा है आपका अगर आपने ईमेल ये ये देखिए मेरे अकाउंट को सीधे अकाउंट मेरा लॉग नहीं है अब लॉग पासवर्ड तो मेरे को उसको देना पड़ेगा अगर मेरा अकाउंट ओपन है तो मैं ओपन कर सकता हूं इसने सीधा मुझे मेल के लिए कनेक्ट किया सो वेदर यू वॉन्ट टू ओपन दिस 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 कौन सा ओपन करना चाहते हो तो मैंने इसको ये ऑप्शन दिया इसने सजेस्ट किया कि आप ये ओपन करो

मेरे ईमेल पर मेरी ईमेल चार पांच जगह बनी हुई है तो वो मुझे चार पांच ऑप्शन दे रहा है उसको नहीं पता कि मैं ईमेल कहां से भेजूंगा तो वॉट एवर ऑप्शन आर अवेलेबल एट माई डेस्कटॉप अगर सामने वाले को ईमेल मेल भेजेंगे तो, okay, हाँ ऑब्वियसली बात है कि वो सामने वाला जो ई मेल पर क्लिक कर रहा है इट मींस ही वॉन्ट टू सेंड ई मेल टू यू इफ संबडीज क्लिकिंग ऑन ई मेल लिंक देन ही he want to send email from his ईमेल अकाउंट टू योर ईमेल अकाउंट तो पहले उसका ईमेल अकाउंट ओपन होगा ना हाँ करेक्ट करेक्ट यस तो ऐसे करके यहां से मैं से बंद कर रहा हूं द सेम वे नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट लिंक देन इट विल क्लिक द वेबसाइट डायरेक्टली ये देखिए मेरी वेबसाइट इसने डायरेक्ट ओपन कर दिया इज देट क्लियर टू यू सो फार यहां तक सबको ठीक है चलिए ग्रेट नाउ मूविंग फेसबुक ट्विटर यूट्यूब और लिंक यस यस मूविंग यस यस मूविंग उसी पर आप निश्चिंत रहे मैं आपको दस बजे तक ये सारी चीजें बहुत क्लियर समझा दूंगा नाव ये चार लिंक आपने डाल दिए बाकी के चार पांच लिंक और हैं बिच वो मैं एक मिनट में समझा दूंगा आपको बट प्लीज वेट लिटिल विट फॉर मी नाव द मेजर पार्ट इज हाउ टू पुट दिस क्यू आर कोड हेयर

www.vvcard.com प्लीज नोट इट डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां मैं क्या करूंगा vvcard.com vvcard.com. मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूं पहले मेरा बना हुआ पड़ा है whenever you will go to this uh, website please open this website in case you are on laptop आप साइड में वेबसाइट ओपन कर लें Then It will ask you. This website is a facility to create electronic business card. Electronic business card, wherein you will put your details and it will create a V card for you. So I have put my name, my first name, second name, prefix, suffix. You can put your company name, organization name, your uh, website, your email, your phone number, your fax number, your address. And your LinkedIn address, your Facebook address, your Google address, your Twitter address. So, this gives four standard uh, links: LinkedIn, Facebook, Google, Twitter. So, I have copied my link for Twitter, my link for Google, my link for Facebook, my link for LinkedIn. I have put it there. And now you just have to create VCard. Create VCard. Whenever you will click on create VCard, it will give you three things one is download v card means your bcf card your visiting card electronic visiting card is ready link for electronic visiting card not visiting card link for electronic visiting card whatever you have created microsoft powerpoint that is a different thing and this is a different thing microsoft powerpoint uh, business card it just to display on the screen. And whenever somebody click on those particular links, the one link gets opened in one go. But in your business card, the whole thing is being saved in a file. And that file is being uh, being associated with a link. And that link will be saved in the mobile phone of the person who is getting your visiting card. So this might be little confusing for you. यही बात अगर समझ में आ गई तो आपको ये तीन चीजें बहुत क्लियर हो गई अब करना क्या है यहां से यू हैव टू डाउनलोड दिस बिस्टिंग कार्ड आई हैव डाउनलोडेड इन द फॉर्म ऑफ लोकमान सिंह ये डाउनलोड कर लिया वो वेबसाइट नॉट सिक्योर करके दिखा रहा है bbcard.com हाँ वो उसे रहने दो मैम कोई दिक्कत नहीं है उसे वेबसाइट से क्योंकि हमारा वो जो जस्ट ए मिनिट ये यहां से नॉट सिक्योर उनका सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ तो डजेंट मैटर यहां से हमने वो डाउनलोड कर लिया मेरे कंप्यूटर पर आ गया ये वीवी -वी कार्ड है एंड सेकेंड थिंग यहां से ये क्या बनाता है ये आपका क्यू आर कोड बनाता है यहां से सो यू कैन डाउनलोड योर क्यू आर कोड फॉर्म हेयर आपने क्यू आर कोड यहाँ से डाउनलोड कर लिया इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पी एनजी फाइल एंड यहां से आपने क्या किया अपना bcf डाउनलोड कर लिया ये दो चीजें आपके डाउनलोड हो गई और दोनों चीजें काम आएंगी अब मुझे क्या करना है बिकॉज़ दिस bcf फाइल व्हेनेवर आई विल ओपन इट नॉट अंडरस्टैंड हाउ डिड यू कनेक्ट द क्यूआर कोड हियर सो फार आई हैव नॉट कनेक्टेड मैम आई हैव क्रिएटेड क्यूआर कोड सो फार आई हैव क्रिएटेड टू फाइल्स फ्रॉम दिस वेबसाइट वन इज vcf फाइल व्हिच इज अ फॉर्मेट and at that format I have created I have put all my links over there and those all my coordinates are being saved in a file and that file has a link over there that is the one thing and the second it has created a specific uh, QR code in my name ये दो चीजें मैंने यहाँ से तैयार की हैं I think ये वो clear वो link कैसे डाली वो जरा दिखाइए न हरे चार link link डे एंड Facebook वगैरह Uh, मैम एक मिनट में वापस जाना पड़ेगा मुझे ये लीजिए मैंने लिंकेड इन पे गया आई वेंट टू लिंकेड इन लिंकेड इन एंड ऑन लिंकेड इन आई हैव माय अकाउंट आई हैव माय अकाउंट आई वेंट टू द homepage of it, Lokman Singh's homepage and whatever link comes in the URL co URL bar, you just copied it from there, copy and went to this uh, vCard file and put it in the column provided for it. The same way, go to the Facebook, same way, go to the Google form, go to the Twitter and copy whatever URL uh, code is there.

तब मेरा वेबसाइट को वो कहीं देख पा रहा है द सेम वे नाउ यू हैव टू गो टू योर गूगल ड्राइव प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट गो टू गूगल ड्राइव एंड इन योर गूगल ड्राइव यू हैव टू अपलोड योर बीसीएफ फाइल यू हैव टू अपलोड योर बीसीएफ फाइल बीसीएफ फाइल मीन्स योर होल कॉन्टेक्ट कोडिनेट आपने जो अपना फोन नंबर और वो सब लिखा है एंड वाई दिस इज बींग क्रिएटेड एंड सेव्ड हियर दिस वे

So I have uploaded over there. It is getting uploaded. It may take little uh, one minute or two minutes because it has certain data. And now. Not understanding? What you have done? I mean the uh, V card that you had created. Have you linked that? So I have created. So contact nine. numbers in this. Is, yeah.

restricted so make it anyone with the link then copy the link from here and you copied the link then went to your PowerPoint when wherever you were creating this uh, QR code now go to your QR code and right click on it click on hyperlink edit link and put your

Get the contact coordinates of the person and will be saved automatically in the mobile phone of the receiver. ab main isko wapas समझाता hu The whole process I am going to take once again. Uh, sir Yes please। Can I enter Yes please। uh, Sir जैसे कि आपने अभी ये बताया process QR code के uh, बारे में। hmm. तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये QR code आपने कहाँ से लिया है? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जब ये बना रहे थे माई सेल्फ ऑलरेडी अभी मैंने उसका नया कॉपी डाउनलोड किया था विच आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम देअर नाव आईल पेस्ट इट फॉर यू मैंने वो क्यूआर कोड आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट अगेन वॉट आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट गोइंग टू दिस अभी वापस क्यूआर कोड नया करके दिखाओ ना सब तो समझेगा हाँ मैं मैं एक मिनट सर चल रहा हूँ वहां भी चल रहा हूँ यस जस्ट अ मिनट मैं वापस पूरा कॉपी मैं पूरा एक बार प्रोसेस को फिर रिपीट कर रहा हूँ सो so आपको कंफ्यूजन ना हो सो गो विद मी

In the phone book of the person who is getting it. card phone book. Rather, it will be saved in the gallery. It will be saved in the gallery. It will be saved in the files. It will be saved in the WhatsApp. It will be saved in the email. Wherever you are sending it, it will be saved over there. But whenever a person is going to call you in next one day, 10 days, one year, two year, one month, गैलरी इज गेट रिफ्रेशम टाइम फिर यह चीजें आपको नहीं मिलेंगी बट आपका जो ये विजिटिंग कार्ड बनाने का पर्पज है यूर पर्पज टू क्रिएट अजिटिंग कार्ड इज दट द पर्सन शुड सेव इट इन देयर फोन बुक एंड इफ दे आर रिक्वायर टू सेव इट इन द फोन बुक देन सो फार वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड

and that single file should be compatible to be to get saved in the mobile phone book and our mobile phone book only understands the language in the form of .bcf .bcf आप जब भी देखेंगे आपका .bcf के फॉर्मेट में वो सेव करेगा तो आपको क्या करना है यू हैव टू क्रिएट योर फाइल इन द .bcf तो so what we are going to do for this we are going for a website Wherein we can create a .bcf file, and this website is this one with the name of vvcard.com. Now, whatever you have put in the uh, whatever contact coordinates you have, that information again is required to fill in here in this particular website. Your name, your email, your phone number, your website, everything you have filled here.

that purpose is different i mean if somebody clicks on your b card link then also <clears throat> he will be able to save the contact coordinates in the mobile phone or if somebody scans this qr code then also he would be able to save the contacts in the mobile phone now i think it is clear to you so you have downloaded both the things download qr code and download bcf file

i mean hmm. uh, this uh, bbcard.com and hmm. Hmm. Uh, my question is how is that my uh, qr code uh, you know uh, the hyperlink that you have okay, i mean uh, by default did it get created just just a minute i'm repeating it so whatever information you have put in the microsoft powerpoint the same information is required to be filled in this website when you fill the entire information in this website then you have to click on uh, b card creation it will create a b card file for you and simultaneously it will create a qr code for you and this qr code is specifically for you only this is the unique creation and this b card file is also an unique creation this is being created for you and nobody can make it a duplicate because it is for you only now, you have two files in your hand which you have created at this particular website. These two things are now required to put in your PowerPoint digital card wherein you are going to create it. So simple. One QR code can be put on your uh, visiting card directly. You can insert this image, but this BCF file is in the form of a link. It is in the form of data, and data can be put over there in the form of link. Then you have to upload this file on internet in your Google Drive, and your Google Drive will create a link for you. That link you have to put in your this Microsoft PowerPoint uh, business card. I think it is clear. So I have created. I I went to this my

would you like to uh, create one no i'm cancelling it because i already have uploaded it so when you have uploaded it just click on it get link of this from there copy link done and return to your powerpoint creation wherever you were designing this yes i've come अभी मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पावर पॉइंट आपको यस यस नाउ यू हैव टू इंसर्ट योर क्यू आर कोड हियर क्यू आर कोड इज देयर एंड आई हैव इंसर्टेड इट इट हैज कम हियर एंड यस आई हैव मेड इट लिटिल बिगर Spread it over the sp uh, space which I have. Now this QR oh, code is. Uh, this, uh, just just you... a minute. Just a minute. I, I, I'm just going to complete it. Then please ask. Oh, oh. So now the QR code is ready. Y anybody can scan this QR code. Whenever somebody is opening a mobile phone and uh, mobile phone camera and. Scanning this QR code automatically, the contact will be saved in his mobile phone. But it is not necessary that person is going to scan. customer scan. It is not necessary. Then you should give him a facility, give her a facility that if somebody clicks on it, then also the same work should be done. Means the contact should go in the phone book of that person. Then do little work. Just right click on it, go to hyperlink, and put the link of your BCF file here, and your work is done. Now, in case somebody clicks on this or scans this, then automatically the whole contact which you have mentioned here, the same is being mentioned in your BCF file. That whole data will be saved in the mobile phone of that person. I think it is clear so far. ऐसा आपको यहाँ तक समझ में आया मैं अभी फिर इसको एक बार और बताऊंगा आपको तो समझ में आया सर यस इज दैट क्लियर ग्रेट अभी किसी का फोटो तो और नेम को भी हाइपरलिंक दे सकते हैं क्या अब्सोल्यूटली यू कैन गिव यू कैन गिव Absolutely. Now give me five minutes only. So I'm going to summarize this once again. Sir, एक बात सर पूछ सकती हूँ मैं? Yes, please. हमने जैसे मेल और एरिया और व्हाट्सएप का आइकॉन बना के डाला है वैसे हम फेसबुक ट्विटर और आ रहा हूं आ रहा हूं मैम मैं आ रहा हूं उस बात को मैं समझाऊंगा पूरा वो है अभी मेरे पास पार्ट है मैंने आपको क्वेश्चन uh, समझा हुआ है और मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नाउ अब आप में से हर आदमी एवरीवन ऑफ यू पहले तो मैं इसको सेव कर दूं सेव एज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं इस कंप्लीट कर एक्सरसाइज को फिर आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं कोई एंड गोइंग टू वॉट वॉज द नेम ऑफ सत्या का टेस्टिंग? और सत्या ये वाला कार्ड अब मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूं मैं सत्या के फोन पर इस कार्ड को भेज रहा हूं और सत्या प्लीज इसको आगे फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप uh, बैव आपको क्लैरिटी हो जाए एट फाइव एट सिक्स एट सिक्स

ये मैंने ग्रुप में जस्ट टाइप समथिंग इन द ग्रुप नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट लाइक आई एम गोइंग टू ओपन दिस एंड नाउ अब ये आपका क्यू कोड भी क्लिकेबल है जब भी इस पर जाएंगे इट विल गो टू देखिए वो मेरे सीधे लिंक मेरे गूगल ड्राइव पर गया एंड इट विल डाउनलोड माई बी सी एफ फाइल टू माई सिस्टम स आई ओपन इट फ्रॉम माई मोबाइल फोन इट विल डाउनलोडोर इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बुक आप जितने लोग हैं वो प्लीज अपने कॉन्टैक्ट बुक में उसको सेव करेंगे इसको सत्या प्लीज डाल देना मोबाइल पर आप ट्राई करेंगे सारा मोबाइल पर सत्या आप भी करके दिखा सकते हो आप अपना मोबाइल डायरेक्ट लाइव करना आ, वे, आप अभी कर लो मैं पहले से कंप्लीट कर दू फिर आप दिखाना थोड़ा सा पार्ट बचा है ये हो गया नाव

एंड यहां से मैंने एक फ्रेम रखा एंड आई हैव क्रिएटेड सम गोल्डन लिंक्स हेयर फॉर फेसबुक ऑल्सो लाइक आई हैव क्रिएटेड वन फॉर फेसबुक एंड वेन एवर आई राइट क्लिक ऑन इट एडिट लिंक देन यूल सी एच टी टी पी एस कॉलन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम ऑब्लिक लोकमान सिंह फाइव सिक्स जीरो टू ये मेरा लिंक आ गया एंड द सेम वे फॉर फेसबुक फॉर यूट्यूब यूट्यूब लिंक आई है यूट्यूब लिंक पूरा चैनल का लिंक दे दिया दिस इज ओवर देयर फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया व्हाट्सएप हो गया ई मेल हो गया ट्विटर इनकेस यू वॉन्ट टू क्रिएट इट यू कैन गो टू द ट्विटर और वहां से भी लिंक निकाल सकते हैं मैंने फेसबुक और आपका यूट्यूब बता दिया आपको किसी को ट्विटर या इंस्टाग्राम भी समझना हो तो मैं वो भी निकाल के आपको बता देता हूँ तो ये एक हाँ मैं अभी बताता हूं मैम तो यहां से आपको क्या करना है go to the internet same way as i went earlier go to internet and search one icon where it was okay opening uh, twitter icon transparent image I searched over there and I got I am getting a lot of images here. ek transparent image Like this one is a transparent image. And I copied it from here. And going back to my template, this is a different template. And I pasted it here. Sorry, could not be copied.

You have to take the hyperlink of your Twitter account for which what you would require go to the Twitter. Twitter and uh, go to your account. This is my account. Clicking on home and going to my account that is Twitter.

Lokman Singh 15 Twitter account. Just copy it from here. Hmm. Add the rate Lokman Singh 15. No. And go to. Copy it from here. And went to. यहां आपने इसको लिख दिया ट्विटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एट द रेट यहां से इसको हटा के लोकमान सिंह फिफ्टीन ये मेरा लिंक बन गया ट्विटर का द सेम वे आपको इंस्टाग्राम पर जाना है आपके वहां से लिंक को कॉपी करके लाना है एंड योर इंस्टाग्राम के लिए आइकन रख देना है वो आपका क्लिकेबल बन जाएगा ऐसे करके अब ये आ, मैंने यहां से एक थीम ली है ये पूरा गोल्डन आइकन है यहां मैंने इनको ग्रीन और डिफरेंट कलर के आइकन रखे हैं इनकेस यू वांट टू अकोमोडेट इट तो इनको थोड़ा ऊपर सरकाओ इनको थोड़ा ऊपर सरकाओ स्पेस बनाओ नीचे और ट्विटर के लिए आप यहां ट्विटर को रख सकते हैं ये थीम कहा से ली येलो ये थीम मैंने बनाई है मैम ये सारे टेम्पलेट्स मैं आपको ग्रुप में पोस्ट करने वाला हूँ पास बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं दिस इज वन एंड आई एम गोइंग टू ओपन सम मोर एंड दीज आर टेम्पलेट इलेवन टेम्पलेट टेन ये दिखाई दे रहा है आपको एक और थीम एक येलो थीम दिखाई दे रही स्क्रीन पर आपको नहीं नहीं अभी तो पुराने पुराने वाली देख रहे हैं सर जस्ट ए मिनट मैं एक और दिखा रहा हूं सर आपको दिस इज द डिफरेंट थीम आप यहां देख सकते हैं एक और मैं दिखा रहा हूं आपको वन मोर हाँ बहुत सारी थीम्स मेरे पास अवेलेबल हैं और ये सारी की सारी थीम्स आपको आ, करीब दस पंद्रह तरह की थीम्स मैं आपको भेजने वाला हूं और आर... तो ये थीम सभी चैट चैट पे आप भेज देंगे सर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा सर ये सारे ये देखो ये थीम है डेटा इज सेम बस मैंने इसके बैकग्राउंड्स इमेज ये सारी चीजें थोड़ी-थोड़ी चेंज की हैं एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि पहली बार इन केस यू वुड रिक्वायर सम सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड्स टू क्रिएट द फर्स्ट वन बिज़टिंग कार्ड देन

आपको ये क्यू आर कोड बनाना आप ट्राई करें आप ये लिंक बनाने ट्राई करें एंड जहां भी यू फील यू आर स्टक समवेयर वी आर देयर विदाउट चार्जिंग एनीथिंग कोई फीस नहीं है वॉट एवर यू हैव पेड दैट इज इनफ फॉर अस आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड बी वुड बी फैसिलिटेटिंग दिस टू यू ये एक है और भी मैं आपको दिखाता हूं एंड दीज ऑल आर सेल्फ क्रिएटेड ये सब हमने अपनी बनाई है तो

छोटी छोटी सी शेप्स उठाई है ऊपर से और इन शेप्स को बस डिजाइनर फॉर्म में मैंने यहाँ जोड़ दिया पीछे से एक बॉक्स लिया बॉक्स ऑफ अ डिफरेंट इमेज इन अ डिफरेंट एंड ऑल थिंग्स अभी सबको अलग कर दिया सबको एक साथ अगर रखूं तो इट विल बी गुड अट्रैक्टिव टेम्पलेट फॉर यू एंड आप कुछ भी कर सकते हो बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड द साइज मींस The forty-seven point five multiplied by twenty-six point five. That should be the standard size for your template. And on the top eight point five centimeter, you should have your image and your name. Because in this particular template, I have taken the size little bigger than eight point five. Then my this visiting card will not be attractive. I am you. So, I'm going to. How did you adjust the 8.5 centimeters in that? Uh, yes, yes, sure. Good question, <laughs> ma'am. Did... So, good question, good question. I'm going to uh, explain, ma'am. So, just be with me, made by WhatsApp. Where it is? It is here. Uh, and... sir? Yes, please. Can we replace uh, the photo with a uh, logo?

तो मुझे क्या करना है मुझे अपने फोटो को ऊपर शिफ्ट करना है सो दैट विद इन दीज एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर माई फेस शुड कम ओवर हियर यहां देखेंगे द स्पेस इज ब्लैंक एंड माई आई माई फेस इज हाफ कट विच इज नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव पीपल विल नॉट लाइक इट वेर इन इन द नेक्स्ट वन थीम माई फोटोग्राफ माई नेम एंड माई डेजिग्नेशन इज कमिंग क्लियरली

वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेन एवर यू विल बी शेयरिंग एंड सेंडिंग दिस क्लिकेबल बिजनेस कार्ड टू समबडी ऑन व्हाट्सएप, देन योर दिस बिजनेस कार्ड शुड बी सेव्ड विद प्रॉपर नेमिंग लाइक आई हैव सेव्ड लोकमान सिंह टेम्पलेट टेन इट इज नॉट अ गुड नेम हियर टेम्पलेट टेन शुड नॉट कम ओवर देयर आई हैव सेव्ड इट फॉर योर रेफरेंस ओनली It should not come like that. It should not. It should come like this. Business card, Lokman Singh. So always save in your mobile, in your computer. The file should be saved. Business card, Lokman Singh, V card, Bhavishya Saha, V card, whatever is your name, business card or V card. So that the person should know that the name is here and the same name is here means it is a business card. So I think this is again a good takeaway.

Yes. understand how was the vcf card created not a problem i'm going to demonstrate it once again ma'am sir in the whatsapp group you shared one card sir that that name of the card is uh, business card lokman singh right yes so, uh, in the same name that the card will be saved in the uh, uh, receivers list uh, no actually yeah. with whatever name you have saved the file in your computer Yes, and you shared it with somebody else then the same name will go to that person yes. but when, whenever he will save the bcf file then the bcf file will be saved by the name you have put in your bcf file on the website vvcard.com got my point okay 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 right. because this is the only uh, this is the this one name is

But my account has been opened. In case you will copy this Facebook, so it would not be a yeah. uh, link over there of particularly of your this account. Now you have to click on this Lokman Singh. Same way you will be having your name over there in your profile. Yeah. Now, whenever you click on that particular name, now the URL link is getting changed facebook.com oblique lokman.sync.5602 and this is the actual link of my Facebook account. Whenever okay. you will click twice there then HTTPS oblique www also will come over along with this. Then you have to copy this entire with HTTPS. Got my point? Thank you. Okay, the same way whenever you go for YouTube. Then go to your channel like I'm going. So again, it is so far youtube.com. But to copy a link, what you have to do, just go to this and go to your channel. Now your channel is coming. Now your channel is coming now. So whatever link you have right now you have to copy it by double-clicking there. Whenever okay. you will double-click, then only HTTPS and WWW will come over there. And okay. please remember, this is required to carry while you are copying the link from here. I think this is clear? Yeah, thank you. Thank you. Okay, now I had a question from ma'am. Uh, how I created BCF file? So I'm going, ma'am, once again from scratch to create a BCF file purpose of bcf file is that that person should save your entire contact detail in his or her mobile phone just by clicking on that particular link or scanning the qr code then for that you would require your data to be saved in the form of bcf file and this bcf file cannot be created simply either your mobile phone can create it a bcf file यू कैन क्रिएट इट गोइंग ऑनलाइन एट अ स्पेसिफिक पोर्टल और वेबसाइट विच इज एबल टू डू इट जो वेबसाइट इसे इस काम को कर सकती है या तो मोबाइल फोन कर सकता है आपकी वेबसाइट कर सकती है सो द वेबसाइट विच कैन डू दिस वर्क दीवी कार्ड डॉट कॉम आई वेंट ओवर देर एंड टू क्रिएट माई वी सी एफ फाइल वॉट आई वुड रिक्वायर आई वुड रिक्वायर टू पुट माई कॉर्डिनेट लोकमान सिंह कंपनी नेम पीपल ट्रेनर्स Website name is this, email is this, mobile phone is this, address is this, and things are uh, optional. Whatever you do not try to put over there, so you can escape. And it gives you four social profiles only LinkedIn, Facebook, Google, and Twitter. So it is your choice. Whatever links or accounts you have or you want to put, you copy it from there and put it here. Then you have to click on Create VCard as soon as you click on vcard your vcard gets created here which you can download from this portal because still it is on that particular portal you have to download it from there in your computer and whenever you'll create it it will give you two things one your uh, qr code and the second one your vcard now qr code can be copied in your business card directly from your computer because you are creating business card on your computer and this file is again on computer but bcf file should be somewhere online it cannot be sent through your powerpoint presentation you have to save it somewhere online from where it can be accessed anytime whenever the person want to access it it should be online then what facility you have for free of cost either you put it on google drive which is the space google has provided to you that is a free of cost you upload this file over there create a link from google drive and put it in the hyperlink of your this uh, qr code I no want you. to understand how did you create that VCF file? So I created this create V card, just copied, uh, just uh, clicked on it, and it has created. Now I have to download this, and just I download it. Simple. And after this, for the QR code, uh, a Google Drive link was created with the VCF file. So how yes. did we create the VCF file? No, ma'am. VCF file is being created by this website. It gets. Created by here. Now, the only work is required. I have to store this BCF file on my Google Drive. So I will go to my Google Drive simply and I'll upload it there. I'm going to my drive. And then on your drive, click on new file upload and select the file which you have downloaded at your computer. Go to your download folder. And this is your VCF file, and just go and okay. upload the it on BV card the file which we had downloaded that we are uh, yes uploading on the, the yeah exactly. Now it is clear to you. Okay. You have to upload the file which you have downloaded from BV card file or BV card okay. portal, and now create a link here. Like I have this, just right-click on this, and there is one option: get link, copy it from there. And at the time of copying, it may ask you two options restricted or anyone with the link. In case you click on restricted, so nobody will be able to save your data in their mobile phone. So you have to make it anyone with the link. Then copy link from here and go to your creation, whatever you were creating, like this. so i have put my qr code here and just i right click over there edit link and i put this link over there and saved abhi ho gaya mera kaam aur to connect click the icons i think yahan aap isko bhi aap bana sakte ho isko bhi qr code laga do uh, sorry uh, hyperlink लगा दिया. इसको भी save कर दिया. in case somebody click on this also Then also, he will be able to uh, save the BCF file. Or, in case you want to make your photograph uh, clickable, then go to the photograph, right click, hyperlink, put that BCF files link. Now, again, this photograph is also clickable. And, in case somebody clicks by mistake also on this, then your contact coordinate will be saved in his or her mobile phone. Is that clear now?

And take a line shape from there and draw a line here, a long line. So I have created this here. Now click on this, right click on this and go to size and position. It will give you the size of this. It is height is 10.31 centimeter, means your line is 10.31 centimeter. So what we have to do, we have to reduce the size of this line now we have reduced it this is one way this is one way now this is 7 centimeter you have to increase little bit it this is 7.8 or right click on this image and this image is 9.85 centimeter now what you have to do you have to reduce the size of image instead of changing it here on the right hand side in the menu i can change it there also right yes just there are two options either draw a line to judge the space or whatever image you are putting here you just go and check the size and position of this so it will show you the height of that particular object and then you can decide whether it is more than 8.5 or 8.5 so you please try to make it

this is the second thing before file name and there are a lot of options to decide the uh, type of the file then on the fourth option you would be getting pdf pdf and it will get saved in the pdf format and next second is option export whenever you export this then it will ask you create pdf or xps file document then click on create pdf there are two options to save the file in the form of PDF either through export or save edge. Is there any more question, please? Sir, sir, oh, oh. Hello, sir. To well, uh, it is not coming. A PDF option itself is not coming. Uh, which one uh, uh, version of uh, this Microsoft PowerPoint you are using sir?

आदर योर पावर पॉइंट इज द ओल्डर वर्जन इनकेस इट इज टेन थर्टीन सिक्सटीन और नाइनटीन देन फॉर श्योर इट वुड बी देअर अगर वो सेवन से पुराना है तो मैं समझता हूं शायद ना हो बट अभी तो पिछले दस साल से फॉर्मेट वर्जन है वो हंड्रेड परसेंट है अभी मैम आपका फॉर्मेट वर्जन जब भी आप कुछ ड्रॉ करोगे ना इट विल कम ओवर देयर जब भी कोई शेप रखोगे देन ओनली इट विल कम ओवर देयर अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट देयर आप जैसे अभी आप देखना ना मेरे को फॉर्मेट यह नहीं है

प्रोडक्शन सर्विसेज मेनली इम्पोर्टेंट रहते हाँ तो वो इसमें कैसे ऐड करें और कितने इसका लिमिट हो सकता है ये कार्ड का सर uh, ऐसा है है फिजिकली फिजिकली कैसा रहता कि फ्रंट uh, और बैक साइड अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं बराबर यस यस ये डिजिटल uh, कार्ड में हम कितने पेजेस तक हम बना सकते हैं गुड क्वेश्चन सर गुड क्वेश्चन सो दिस इज बिजनेस कार्ड बिजनेस कार्ड मीन्स यू आर शेयरिंग the contact coordinates of a person and the profile of a person or the business but in the business card you are not uh, sharing the product information in case you want to create a uh, 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 online clickable profile with product information for your business then that will be called online or digital clickable brochure so that is a separate task which can be designed the same way and we are uh, actually, going actually for that purpose i have joined this session sir हाँ. actually recently i have made my digital uh, clickable card on canva but uh, uh, canva, that... canva canva par koi digital card nahi banta sir canva par static card banta hai clickable nahi banta उनका. और uh, i think i will share to you sir हुँ. but kaise uh, kisi मैंने ये कार्ड इसीलिए देखा कि आई थॉट कि मेरा बिजनेस भी भी और और थोड़ा अर्निंग भी हो जाए uh, आ, आ, आप आप ये बनाना सीखें नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सेम क्लास टू क्रिएट अ अर हाउ यू कैन क्रिएट द क्लिकेबल ब्रॉशर्स ऑल्सो सो उसके टेम्पलेट कैसे बनेंगे उसकी साइजिंग क्या होगी uh,

Never business card comes with the product information. It comes with the brand name and the contact coordinates and the links. So that is the definition of business card. I understand your requirement. So in case you want to elaborate this or you can discuss that is a specific requirement of alone you. You can connect me on Monday morning and I'll make you learn this. Don't worry. Is that okay? Alright, sir. Okay, thank you. Sir, yes. अभी हमने ये पॉवर पॉइंट भी बनाया वैसे ही बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स आपने बताया उसमें बट दे आर नॉट सो इजी इनकेस यू वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टेटिक विदाउट क्लिकेबल देन यू हैव टू ऑप्शन विद यू वन इज कैनबा

It would not be clickable. In case you want to make it clickable, then you have to create a PDF file with PowerPoint, which is easiest way to create this. I think is that clear? सबके क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अब aap yes, yes, ये clickable लिंक बनाना और बिजनेस कार्ड बनाना ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। And I would send you eight uh, to ten types of templates. You can use them. आप अपने लिए एक एक सब पर बना सकते हो एंड बि यू थिंक इज वर्किंग तो आप वो क्लियर बना सकते हैं एंड इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कनेक्ट मी ओवर फोन कनेक्ट टू सत्या मंडे ऑन वर्ड्स एंड बी वुड मेक यू लर्न मेक यू इनेबल टू क्रिएट बिजनेस कार्ड क्लिकेबल बिजनेस कार्ड फॉर यू ये लेसन यही खत्म होता है नाउ सत्या ओवर टू यू प्लीज कंटिन्यू फॉर फाइव मिनट्स आप क्या बताने वाले हैं थैंक यू सर And meanwhile, in case you have any questions, so I'm sitting in background, please keep asking me and I'll keep answering you. Thank uh, you. I would request you to send this tutorial to us so that while in the morning when we make card, now we can take help of the teacher. sure 100%. It will be it will come in your group, sir. And by 11 uh, a.m. you will get this. Thank you. Okay, welcome, sir. Yes, just sir. Over minute. to you. Okay, so just a minute, sir. Uh, now I'm showing how you can get the database of uh, you can uh, how we can extract the database of the any uh, application uh, from the application. database card. Look at this. I have many application and how you can scan. Just a minute. screen visible, sir? Hello. Yes, yes. sir. It's no. visible you have to download one application and i will send you the uh, links of this application how it the application works first of all you have to choose one digital, uh, visiting card just i have in my hand and i will place it at somewhere and now i will scan just a minute i'm scanning this digital visiting card and i will scan just a minute and scan what it will do it will extract all the database got it saracasa mm -hmm. database app automatically

uh their uh, name where it is all is mentioned so from here you can directly you can work, call them you can mail them also easily effective so whatever business card you have business cards maybe 1000 maybe 2000 you all you can scan and one app in one app you can manage all the uh, your business cards in a in in a documented format नाउ इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना है इसका पेगिट वर्जन आप ले सकते हो नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते इमेज ऑफ यूर बिजनेस कार्ड जस्ट मिन आई एम ओपनिंग चूज एनी ऑफ दिस पार्टिकुलर इमेज यू कैन ड्राइग इट एंड यू कैन स्कैन इट क्रॉप द इमेज and within seconds it will uh, convert into excel format look at this change i have to just choose the language and after choosing the language just i have to type click here and automatically it will convert my image into excel sheet now i can export this data in excel now look at this this is the data i have extracted just a minute now this is the database application <laughs> सर दोनों का मैं लिंक दे दूंगा आपको जस्ट मिनट प्लीज वेट करना थोड़ा सा लुक एट दिस ऑल दिस डेटा इज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड ऑन द शीट बोथ एप्लीकेशन द वन एप्लीकेशन कन्वर्ट कन्वर्ट इमेज कन्वर्ट इमेज टू एक्सेल कन्वर्टर एंड अनदर इज अनदर एप्लीकेशन इज बिजनेस बिजनेस कार्ड स्कैनर एक से आप पूरा डेटाबेस निकाल सकते हो फ्रॉम वन वेबसाइट वन एप्लीकेशन यू कैन extract the older database and use in your phone and by, uh, by another you can use uh, you can uh, scan the image and you can convert the particular image into i would say into i would say in in, in excel format got it sir both easy application i easily effectively have managed corrective or scan corrective both are very easy and effective application i will share in this in, in your whatsapp group thank you thank you okay now ओके okay, ओके okay. एक एक चीज और है आ, दो चीज एक अनाउंसमेंट एक है आपके लिए जो शायद आपको बहुत हेल्प करेगी जस्ट ए मिनट प्लीज वेट ए सेकेंड आपको जस्ट ए मिनट जस्ट

by free uh, by free and by the paid paid also two one is paid second is free one and how you can get the leads how you can target it make sure sorry this timing is uh, 11 30 to so 3 30 it may extend to 4 30 please charge the minimum 4 second it will show you how you can make the facebook group how you can make the page how you can run paid campaigns i am not saying in free campaign how you can pay, uh, run the paid campaign how you can generate leads now after generating the lead the leads engagement is most important issue how you can generate lead by paid advertisement how you can generate lead by free advertisement by targeting specific groups by making wonderful story based ad now, in this particular webinar you will learn how to make animated videos within seconds by the by uh, by uh, some so online softwares by the cloud based applications next one how we can build facebook target how we can target the audience to get the audience engagement and the last one the lead engagement to lead nurturing so this is the all the webinar is very focused on how you can promote your brand promote your business by facebook by uh, paid as well as by free methods the cost of this webinar is very less it is just 600 rupees is 4.0 and you will get recording also after the recording after the webinar you will get one support also those who are interested i, I will send the links please enroll um, by tomorrow and those who want to learn entire digital marketing in detail we have four month detailed program and the duration is more than 120 hours of live training this cost around five thousand rupees. Those who are interested, they can join. I will send all the details, and it is uh, it is very I would say a rigorous program. Those who want to learn digital marketing from scratch, subkuch cover hai me Facebook mastery, uh, Google ads, how you can design uh, your uh, ad campaign, even everything is covered in this detailed program. All the detailed write up I will forward in this group, and those who enroll in our five thousand program, they will get assess for one to one program also from 10 m to 12 uh, 12 noon so those who are interested to learn digital marketing by uh, all the details website designing uh, video making by uh, automation whatsapp mastery all all the content that you hear that you see uh, in in the write-ups all is covered i will send the all detailed write-ups so those who are interested in tomorrow webinar they can join and those who are uh, interested to learn uh, entire digital marketing make sure it is not a recorded session that all session would be live on saturday sunday and in the evening time also even those who are trainer the one module also is covered how we can build your online teaching business also so Satya, all this yes sir uh, great thank you so in case you can show that uh, business card which we have created एक और है उस क्लास का प्लीज रुकना अभी जाना नहीं पांच मिनट में वो बता रहा हूँ ये क्लिकेबल लिंक है आप इसे क्लिक करेंगे मैं आपको फोन से दिखा दू जल्दी सर हाँ आप दिखा दो फोन से दिखा दो दैट विल be दिखाना है ताकि फोन से वो सीधे हो जाए अभी मेरा गूगल ड्राइव शायद उसमें काम नहीं करेगा मैंने उस पर लगा रखा है कुछ बाकी सब काम करेंगे व्हाट्सएप ओपन करके दिखा दें यस yes, इसका फोन वाला लिंक पहले दिखाएं ये देखो वेबसाइट वाला लिंक सीधा ले गया आपको वेबसाइट पर और Yes, वाला लिंक ले गया, दूसरा लिंक, उसका दूसरा वाला लिंक पहला फोन वाला लिंक क्लिक करें तो वो सीधा कॉल के लिए ले जाएगा आपको द फोन लिंक विल हाँ टेक यू टू द कॉल और व्हाट्सएप वाला लिंक सीधे लैंड यू टू द व्हाट्सएप

एंड स्कैनिंग uh, क्योंकि आपको दो मोबाइल चाहिए होंगे स्कैनिंग के लिए अदरवाइज ईमेल वाला लिंक क्लिक करके बता दें सॉरी आपको आज आधा घंटा ज्यादा लिया बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन थे थोड़ा टेक्निकल so, सेशन था ई मेल पे देखो सीधे डायरेक्ट ले गए आपको ई मेल पे इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द ऐसे करके और वो नीचे वाला बीसीएफ भी आपका हो जाता है और वो भी हो जाता है कोई बात नहीं इट्स ओके टाइम कम है आप इसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली इस बीक में खूब प्रैक्टिस करें और अपने कम से कम दो तीन चार आ, आप क्लिकेबल बिजनेस लिंक कार्ड बनाएं और जहां दिक्कत हो वी आर अवेलेबल फॉर दिस मैं आपको एक चीज और बस शेयर करना था वो मैं आपको जो रह गया वो प्लीज बी विद मी की जस्ट ए मिनट क्या क्या लिंक लगाए जा सकते हैं इस पर तो वट लिंक्स यू कैन पुट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेबसाइट इस पर लगाई जा सकती हैं डिजिटल बिजनेस कार्ड जस्ट ए मिनिट एक गूगल माई बिजनेस पेज और दूसरा अबाउट मी अबाउट मी पर जाकर आप कितने लिंक यहां लगा सकते हैं वो एक बचा था हमारा वो बस आपको बता दूं दैट विल बी द लास्ट आइटम टुडे मोबाइल नंबर यू कैन पुट ओवर देयर व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी आई यूट्यूब लिंक फेसबुक प्रोफाइल ट्विटर इंस्टाग्राम दैट यू आर थ्रू वेबसाइट यू आर थ्रू गूगल माई बिजनेस पेज लिंक सत्या आप

अबाउट मी और जीएम बी दोनों जगह आपके बिजनेस क्रिएट होता है तो सत्या प्लीज आप शो करके दिखाएं कि आप कैसे गूगल माई बिजनेस पेज पर वेबसाइट बनता है एंड मैं अबाउट मी पर आपको दिखाता हूँ अबाउट मी ये देखिए आई हैबाउट मी कितना सिंपल है एंड इसका एक लिंक क्रिएट हो जाता है और वो पूरा सिंगल पेज वेबसाइट है ये लोकपाल सिंह ज्वाइन माई ई मेल लिस्ट और यहां से आप अपनी प्रोडक्ट रख सकते हो यहां लीड जनरेशन के लिए रख सकते हो पेमेंट गेट लगा सकते हो ये बहुत परफेक्ट सिंगल पेज बनता है और इसका लिंक उठा के आप अपने क्लिकेबल बिजनेस पेज पर लगा सकते हो मीन्स यू कैन क्रिएट अ सिंगल पेज वेबसाइट विदाउट मेकिंग एनी एक्सपेंस एट जीरो विदाउट एनी एक्सपर्टाइज यू वुड नॉट रिक्वायर एनी एक्सपर्टाइज द सेम वे यू कैन क्रिएट अ गूगल माई बिजनेस पेज वेबसाइट उट में गूग थिंग इट्सरेट आप अपना आप यहाँ पर वेबसाइट है सिंगल पेज ये देखिए विदाउट मेकिंग एनी सिंगल पेनी एक्सपेंस यू आर गेटिंग द होल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस एंड विच इज अवेलेबल फॉर द पीपल आपके लिए सब कुछ यहाँ हैव टू रिक्वायर यू जस्ट हैव टू कॉपी इट इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन पुट इन योर क्लिकेबल बिजनेस कार्ड एक लिंक बना सकते हो उसका तो दो जगह आपकी वेबसाइट बन गई बिना पैसे के अगर आपके पास वेबसाइट है वेल एंड गुड नहीं है तो यू कैन क्रिएट योर ऑनलाइन स्टोर ऑनलाइन वेबसाइट और ये बहुत परफेक्टली आपके क्लिकेबल लिंक के लिए दो लिंक और तैयार हो जाएंगे आई थिंक सब क्लियर है आपको अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं Hello, तो क्या आप मुझे उसके रिगार्डिंग बात बता सकते कौन सा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा सर uh, उन्होंने वो बताया नहीं वो बोले कि आप सेशन ज्वाइन किए आपको पता चल जाएगा लाइफ टाइम फ्री रहेगा कोई बात नहीं मैं उनको पूछ लूंगा अगर कोई सॉफ्टवेयर टेम्पलेट भी रहेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो टेम्पलेट्स की बात की होगी इस पर्टिकुलर क्लास में टेम्पलेट्स है सॉफ्टवेयर तो आपका जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है आपके पास इन केस किसी के पास नहीं है डंप चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं बट हम सिर्फ सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट और कोई एप्लीकेशन हम यूज ही नहीं कर रहे तो आपको अगर किसी को चाहिए पावर पॉइंट नहीं आपको टेम्पलेट्स जरूर फ्री मिलेंगी जो हमारी मेहनत है टेम्पलेट हमने बनाई है वो आपको जरूर मिलेंगी सर Yes, I think, और भी अगर कुछ आपको उन्होंने कहा है तो आप सुबह उनसे बात कर लेना मैं भी बात कर लूंगा ठीक है डोन्ट वरी यस किसी की को और कोई क्वेरी हैटिंग रिकॉर्डेड इट विल बी प्रोसेस्ड एंड इट विल बी पोस्टेड इन योर ग्रुप बाय टूमोरो मॉर्निंग एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न

रादर बहुत लेट हो गया है और हम माफी चाहते हैं कि आज आपका हमने कुछ टाइम ज्यादा लिया बट से टेक्निकल था और आप लोगों की क्वेरीज इतनी थी कि मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगा अगर किसी का कोई फीडबैक हो समी वॉन्ट टू शेयर समथिंग रिगार्ड रिगार्डिंग टू डेज से Uh, little confused. I, I put not on. not not a problem, sir. So again, it will take some more time. But uh, these are two free facilities okay. which are being provided online. One through Google, another one through About Me. This is one website. Now okay. they provide you facility. You can put your content on uh, online in the form of a single page website you just put your data your content over there and it will be live anybody across the globe can search your name and they will get your business or your uh, details over there so that so is that, the that, that link that, also can be incorporated in, into my uh, exactly exactly okay. exactly so that link in case the people who are not having their website they can create

बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत अच्छी तरह से बहुत इंटरैक्टिव बनाया आपने ऑन मंडे कब कब तक आपको कॉल करें uh, 10 टू 12 वी आर अवेलेबल बिटवीन 10 टू 12 मंडे टू uh, ग्रुप पे जो आपका नंबर है वही उससे कॉल करें यस यस सर हां आप कर सकते हैं एंड वी आर ड्रॉपिंग द नंबर और व्हाट्सएप वाले नंबर्स हमारे दो दिन के लिए होल्ड पे हैं तो प्लीज आप हमें कॉल uh, ही करें तो ज्यादा बेटर है एंड ये हमारे नंबर हैं सत्या और मेरे दोनों के नंबर हैं आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं okay. और व्हाट्सएप पे ये नंबर मेरा वाला दो दिन नहीं होगा तो आप फोन पे बात कर सकते हैं ओके okay. sure. yeah. क्या आपको अच्छा लगा क्या आपको नहीं अच्छा लगा ओपनली अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप बता सकते हैं वी बी हैप्पी हैविंग योर इनपुट प्लीज ओके अभी because, आप अपना वीडियो uh, स्टार्ट कर पाओगे क्योंकि मैंने वीडियो ब्लॉक कर रखे थे लोगों के इट वाज अ ग्रेट प्रोग्राम इट वाज गुड लर्निंग एंड आल्सो आई फॉर टुमॉरोस प्रोग्राम आल्सो थैंक यू सर टू बिकॉज़ दैट वुड गिव मी मोर नो वैल्यू टू दिस प्रोग्राम व्हाटएवर दैट आई बिकॉज़ मार्केटिंग दिस टूल टूल आई एम गोइंग टू डेवलप नाउ where i want to market that mm -hmm. will help me there so i decided that i'll take uh, these two programs thank you sir thank so, you for really putting uh, putting your trust in us thank you we will try our best to uh, i mean <clears throat> prove ourselves as you expect it from us thank you sir thank you. yes sir thank you yeah. so much okay. so really great, anyone else Koi so, great, so great sir thank you हर समय ओके गुड नाइट दोस हु वांट टू लीव दे कैन लीव कुलदीप जी द क्लास वाज वेरी गुड आई डिड नॉट नो दिस काइंड ऑफ बिजनेस कार्ड वाज अवेलेबल इट वाज वेरी गुड लर्निंग टुडे थैंक यू कुलदीप जी सो so ग्रेट बहुत-बहुत धन्यवाद आपका किसी और का कोई फीडबैक है नो सो वी आर समराइजिंग दिस थैंक यू एंड गुड नाइट फॉर टुडे आज के लिए हम यहीं से uh, बंद करेंगे एंड अगर किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया प्लीज कनेक्ट वन ऑन वन वी आर अवेलेबल थैंक्स फॉर गिविंग सो मच वेल्युबल टाइम ऑफ यू आपने बहुत टाइम दिया कल का लिंक सुबह मॉर्निंग में आएगा टुमरो मॉर्निंग वी वुड बी शेयरिंग द लिंक्स विद यू सो थैंक यू थैंक्स एवरी वन आप सबको धन्यवाद जिनको कल का कोर्स बुक करना है कुछ सीट्स अभी, अभी अवेलेबल हैं वो प्लीज टीम के साथ बात करके यू कैन बुक योर सीट्स थैंक यू थैंक्स अलॉट सो ग्रेट डॉक्टर रिचा मैम शायद प्राइम में नहीं है सर तो वो कौन से लिंक की बात कर रही है नहीं वो कल फेसबुक वाले के लिए लिंक की बात कर रहे होंगे ओके ओके हाँ रिदा जी ठीक है टुमोरोज लिंक प्लीज यस प्लीज आई विल फॉरवर्ड इन द ग्रुप मैम सर हाँ, लिंक आप जिन जिन लोगों ने बुक किया है वो कल के लिए फिर आ, उनको आ जाएगा लिंक थैंक यू सो ग्रेट ओके समय आपने दिया और आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इं, इंपॉर्टेंट होंगे आपके ग्रुप में कल एक जी फॉर्म आएगा प्लीज उसको भर दीजिए और भरने के बाद Uh, हमारे हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा हम एसेस कर पाएंगे उसको थैंक्स सो ग्रेट गुड नाइट रात्रि सब खैर मुस्कुराते रहो हंसते रहो गाते रहो और लॉकडाउन को ऐसे ही आप जीते रहो और बस बचे रहना खुश रहना मस्त रहना बचे रहना थैंक यू ऑल द बेस्ट गोइंग टू क्लोज